चलिए दोस्त, अपने लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। अगर आपको याद हो तो हम लोग कर रहे थे भैया वो इश्यू एंड फोर फीचर ऑफ शेयर, और इश्यू एंड फोर फीचर में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, या ज्यादातर कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। सर इस चैप्टर में और कोई कॉन्सेप्ट नहीं? नहीं, कॉन्सेप्ट तो और भी है, बट अभी जितना कॉन्सेप्ट पढ़ लिए ना सर, उससे रिलेटेड जितना सम्स है, हम लोग एक एक करके वो सम्स करने का कोशिश करेंगे। तो बिना समय वेस्ट किए आप एक काम कीजिए, हमारे बुक में आ जाइए सम नंबर 1 में। मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखा रहा हूं जिससे आपको दिक्कत ना हो। ये रहा सम नंबर 1। चलिए अपने लोग फटाफट ये सम्स को पढ़ते हैं और करने का कोशिश करते हैं। साथ साथ मेरे साथ पढ़ो, इधर आओ, देखो साथ साथ पढ़ते हैं। ए लिमिटेड मेड अ पब्लिक इशू 1 लाख। तो भैया पब्लिक इशू कितने का? भैया 1 लाख शेयर का, इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इच एट पार। तो एक एक शेयर का फेस वैल्यू 10 है और इशू हो रहा है पार में 10 का शेयर 10 में। द पेमेंट शेड्यूल वॉज एज अंडर, और पेमेंट का शेड्यूल बता रहा है, बोलता एप्लीकेशन पे ₹2, अलॉटमेंट में ₹4, फर्स्ट कॉल में ₹3, फाइनल कॉल में ₹1। तो 2 + 4 = 6 + 3 = 9 + 1 = 10। तो ठीक है, ₹10 कैसे मंगाए गए, तोड़ तोड़ के दे दिया अपने को। एप्लीकेशंस वेर रिसीव 1,20,000 शेयर ऑफ विच 1 लाख वेर अलॉटेड। रुको रुको, जैसी बोला एप्लीकेशन रिसीव 120, तुरंत दिमाग का घंटी बज जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इशू तो हुआ था 1 लाख शेयर, अब एप्लीकेशन मिल गया 120। तो मेरा दिमाग क्या बोलना चालू कर रहा है, अगर एक्सेस एप्लीकेशन है तो दो में से कोई एक बात हो सकता है। क्या भैया? या तो एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, और रिजेक्ट हो जाएगा तो सेकेंड एंट्री में 2 बैंक करके पैसा वापस कर देंगे, और या फिर प्रो राटा अलॉटमेंट बोलेगा। और अगर प्रो राटा अलॉटमेंट बोलेगा तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी को हम लोग अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। याद करो क्या हमने ये सब चर्चा किया है? हाँ सर किया तो है, पर क्या होगा मुझे अभी तक नहीं पता सर। अभी मैं चेक करना चाहता हूं होगा क्या सर, होगा क्या, मैं चेक करता हूं सर। बोल रहा है एंड, ध्यान से पढ़ रहा हूं मैं, एंड बैलेंस 20,000 एप्लीकेशन, 20,000 एक्सेस एप्लीकेशन है वेर रिजेक्टेड एंड रिफंडेड। अच्छा, बैलेंस बोल रहा है भाई साहब रिजेक्ट हो जाएगा भैया, रिफंड हो जाएगा। ठीक है सर, तो रिफंड कर देंगे, अच्छा ही बात है। तो इसका मतलब 1,20,000 का एप्लीकेशन मिला, 1 लाख शेयर अलॉट कर देंगे, 20 का जो एक्सेस एप्लीकेशन मिला रिफंड कर देंगे। हाँ ठीक है ठीक है। ऑल फर्दर सम्स वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम मिस्टर राजू होल्डिंग 3,000 शेयर हु फेल टू पे लास्ट क्वाली। अच्छा, बोलता है सारा का सारा पैसा मिल गया, सबको ही दे दिया, बस एक नालायक निकल गया। कौन? ये कोई मिस्टर राजू है जिसकी बस 3,000 शेयर था, उसने फाइनल कॉल मनी नहीं दिया। अच्छा, फाइनल कॉल मनी नहीं दिया मतलब ये कॉल्स इन अरियर का केस है सर। नहीं दिया तो अरियर हो गया, ठीक है। फिर बोलता है ही शेयर्स वेयर सब्सिक्वेंटली फोरफिटेड, तो इसका 3,000 जो शेयर है हमने फोरफिट कर दिया। चलिए तो ये भी अच्छा लग रहा भैया, उसका शेयर फोरफिट हो गया, बहुत खुशी का बात है, और क्या बोलेंगे। और क्या बोल रहा है, एंड रीइशूड एट द रेट 7। अच्छा, रीइशूड एट द रेट 7, 10 का शेयर ₹7 में रीइशू हो रहा है, तो ₹3 डिस्काउंट ऑन रीइशू है। सर कितना शेयर रीइशू किया तो बताया ही नहीं। तो भैया आप समझो, 3,000 शेयर अगर फोरफिट हुआ है और बोल रहे सारा शेयर रीइशू हो गया, तो ही शेयर्स वेयर रीइशू ना, तो मतलब 3,000 का 3,000 इशू हो गया, सारा का सारा शेयर इशू हो गया। वेरी गुड, शो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए, जर्नल एंट्री दिखाओ। तो ठीक है, मैं जर्नल एंट्री करूंगा और नैरेशन भी लिखूंगा। नैरेशन मैं पहले सब में तो जरूर लिखने वाला हूं, इसके बाद भले ही आपको संभालना पड़े, मैं पहले सब में तो जरूर लिखूंगा। तो मैं आ गया प्रश्न संख्या 1, क्वेश्चन नंबर 1, और मैं लिखना चालू किया बुक्स ऑफ, बुक्स ऑफ क्या था, ए लिमिटेड। अच्छा सर, और मुझे करना है जर्नल, तो मैंने लिखा जर्नल, मैं जर्नल करके दिखाना चाहता हूं। ठीक है सर, रेडी? हाँ सर रेडी। अब मैं
एक एक करके काम करूंगा सर। आपको तो सब कुछ आता है सर, मैं आपको क्या सिखा सकता हूं, आपको तो सब कुछ आता है, ये सम यहां है, हाँ आपको तो सब कुछ आता है, मैं बस एक एक लाइन पढ़ना चाहता हूं और बस उसको सोल्यूशन करके दिखाना चाहता हूं। मैं कचरा हटाया थोड़ा सा, बहुत लाइन वाइन आ गया था। सबसे पहले तो एप्लीकेशन मनी मिलेगा कितने शेयर पे, 1,20,000। तो जब एप्लीकेशन मनी मिलेगा तो पहला एंट्री मुझे करना चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट, तो इक्विटी शेयर ही तो है, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मनी कितना करके 2 रुपया करके, 1,20,000 शेयर पे 2 रुपया करके मुझे 1,20,000 शेयर पे मिलेगा। ये देखो ये नाचने लग गया, हाँ तुम लोग के जैसे है, देखो नाचने लग जाता है क्या सर? नहीं नहीं कुछ नहीं बोला मैं, थोड़ी ना तुमको कुछ बोल पाऊंगा। तो कितना होगा ये, 2,40,000। अच्छा पहला सम है, मैं नरेशन लिख के दिखाऊंगा सर, नरेशन लिख के दिखाऊंगा। तो क्या है सर देखो, बिंग एकदम शॉर्ट में नरेशन लिखते हैं सर, बड़ा बड़ा नरेशन भी आप लिख सकते हो, इतना एग्जाम में लिख के टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं आपको एकदम छोटा छोटा नरेशन सिखा देता हूं, बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ओहो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, हाँ साथ साथ लिख रहे हो ना सर, लिखते रहना सर, साथ साथ लिखते रहना सर, एकदम मत रुकना सर, साथ साथ लिखते रहना सर, मजा आ जाएगा सर आपको। मैं चैंपियन बना के जाऊंगा आपको बोला तो बनाऊंगा सर। अच्छा भैया एप्लीकेशन का तो पैसा मिल गया, फिर एप्लीकेशन का पैसा मालिक के डब्बा में डालना पड़ेगा, और एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्टेड बोला था, तो अगला एंट्री बनना चाहिए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, मालिक का पैसा मालिक का डब्बा में, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है वो रिफंड करना है टू बैंक। एप्लीकेशन मनी हमें कितना मिला हुआ है, 2,40,000। एप्लीकेशन मनी 2 रुपया करके, हमारा नंबर ऑफ शेयर इशूड 1,00,000 है, अलॉट भी 1,00,000 हुआ है, तो जो अलॉट हुआ है 2,00,000 वो तो मालिक का पैसा मालिक का डब्बा में, और जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है वो रिफंड कर दे रहे हैं टू बैंक करके। एक्सेस एप्लीकेशन मनी 2 रुपया करके कितने एक्सेस एप्लीकेशन मिला है, 20,000 शेयर पे। देखो सर ये एंट्री मैंने 2 दिन लगा के पूरा सिखाया सर आपको, आप मेरे साथ हौले हौले चलते रहो सर, सारा काम कर लेंगे सर, आप टेंशन मत लो। सर सर नरेशन कैसे लिखेंगे, मैं दिखाता हूं ना बच्चे, बिंग एप्लीकेशन मनी ऑन 1,00,000 शेयर रिजेक्टेड, सॉरी रिजेक्टेड 1,00,000 नहीं, ऑन 1,00,000 शेयर ट्रांसफर्ड टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड ऑन 20,000 शेयर रिफंडेड। एप्लीकेशन में नहीं, 1,00,000 शेयर पे तो जो था वो तो कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए, और बाकी 20,000 पे था उसको क्या कर दिया बच्चे, रिफंड कर दिया। ठीक है सर रिफंड कर दिया। सर आगे बताओ, सर आगे बताओ, बताएंगे यहां तक लिखो तो सही सर, यहां तक लिखो तो सही। ठीक है सर, सर 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 आगे बताओ सर, आगे बता रहा हूं यार, क्यों टेंशन ले रहे हो गया लिखना। हाँ एप्लीकेशन के बाद किसका बारी आएगा, अलॉटमेंट का। अब अलॉटमेंट में तो कोई झंझट नहीं, अब आपको पता, आप बताओ मुझे पहले अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा कि भीख मांगना पड़ता है। सर पहले भीख मांगना पड़ता है आपने सिखाया हुआ, हाँ भीख मतलब ड्यू करना बोलते हैं उसको, मैं जिसको भीख बोलता हूं उसको टेक्निकल टर्म में क्या बोलते हैं, ड्यू करना। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ड्यू करना है, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट मनी था 4 रुपया करके, तो अलॉटमेंट मनी था 4 रुपया करके, सर कहां है 4 रुपया, ओहो ये रहा 4 रुपया करके। हमारे पास कितने शेयर होल्डर हैं, 1,00,000 सर, तो 1,00,000 शेयर पे कितना रुपया भीख मांगोगे, 4,00,000। वैसे इसका नरेशन बड़ा चौड़ा तो मैं लिख सकता हूं, मैं एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प नरेशन दिखाता हूं, बिंग अलॉटमेंट मनी मेड ड्यू, इसको ड्यू एंट्री बोलते हैं ना,
इसलिए सिंपल लिख दिया, बिंग अलॉटमेंट मनी मेड ड्यू, साथ साथ लिखते रहना बच्चे, बिंग अलॉटमेंट मनी मेड ड्यू। वैसे मैं चाहूं तो लंबा चौड़ा नरेशन लिख सकता हूं, तो कैसे, बिंग अलॉटमेंट मनी एट द रेट 4 per share मेड ड्यू ऑन 1 lakh share कॉमा एज पर बोर्ड्स रेजोल्यूशन नंबर .. हाँ, ऐसे भी लिखा जाता, टेक्निकल वही है, बट एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता तो आप इतना लिख सकते, काम चलेगा। फिर भैया अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा, हाँ जरा सोच के बताओ, क्या सबको ही पैसा दे रहा है? हाँ भैया सबको ही पैसा दे रहा है। तो अगर सबको ही पैसा दे रहा है, मुझे पैसा मिल रहा है, तो मैं एंट्री क्या मारूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, क्या सबको ही पैसा दे रहा है? हाँ। अरे भैया वो आदमी था ना कौन, राजू, पैसा नहीं दे रहा है। अरे वो तो फाइनल कॉल के बाद, अभी तो सबको ही पैसा दे रहा है। भैया नरेशन क्या लिखेंगे, पहले एंट्री लिखो। नहीं लिख लिया सर, तो लिखो ना बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। हो गया सर। अब अलॉटमेंट के बाद देखिए क्या आ रहा है, फर्स्ट कॉल आ रहा है, तो फर्स्ट कॉल का पहले भीख मांगना पड़ेगा। हाँ सर, तो भीख मांगने का एंट्री आपको मेरे से ज्यादा बेटर पता है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अब कॉल का नाम लेके लिखना पड़ेगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल दे दे बाबा टू इक्विटी शेयर कैपिटल। भैया कॉल मनी कितना करके था, कॉल मनी 3 रुपए करके था, तो हम लोग 3 रुपए करके कितने शेयर पे भीख मांग रहे हैं, हमारे सारे शेयर होल्डर से। तो की लाइन याद है ना, जब भी भीख मांगेंगे सबसे, ना ज्यादा से ना कम से, सबसे मांगेंगे, तो भीख सबसे मांगो 3 lakh rupees। भैया ये भीख मांगने का मतलब ड्यू करने का एंट्री है ना। भैया नरेशन लिखना पड़ेगा। भैया क्या लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, लिखो बिंग फर्स्ट कॉल मनी मेड ड्यू, बिंग फर्स्ट कॉल मनी मेड ड्यू, बिंग फर्स्ट कॉल मनी मेड ड्यू। हो गया जी, फर्स्ट कॉल मनी मेड ड्यू। हाँ भैया फिर और क्या सर, क्या है? आगे चलते हैं सर, फर्स्ट कॉल का फिर अब पैसा मिलेगा, क्या सबको ही पैसा दे रहे हैं? भैया वो राजू पैसा नहीं देगा ना, अरे भूल गया तुम फिर से, अरे राजू लास्ट कॉल का पैसा नहीं देगा, फर्स्ट कॉल का तो पैसा सब दे रहा है, तो सबको ही दे रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, पैसा मिल रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। कितना रुपया मिलना था फर्स्ट कॉल का, 3 lakh, तो मैंने लिख दिया 3 lakh। अब पैसा मिल गया तो नरेशन क्या लिखोगे बोलो, बिंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, बिंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक है सर, आगे बढ़े सर, यस सर, आगे चलिए। फर्स्ट कॉल के बाद क्या आएगा, फाइनल कॉल 1 rupee का, तो पहले तो भीख मांगने का एंट्री करो सर, फाइनल कॉल का तो एंट्री बनेगा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। भीख मांग रहे हैं ना, फाइनल कॉल 1 rupee करके हमारे शेयर होल्डर है 1 lakh, यानी 1 lakh rupees का भीख मांगो, 1 lakh का भीख मांगो, 1 lakh 1 lakh 1 lakh, तो नरेशन लिखना पड़ेगा, तो लिखो बिंग फाइनल कॉल मनी मेड ड्यू। मैं रुक गया, बिंग फाइनल कॉल मनी मेड ड्यू,
साथ साथ लिखते रहना बच्चे, कॉपी पेन लो और लिखते रहो सर, रुकने का कोशिश मत करना सर। लिख के जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। दुनिया का सारा स्ट्रैटेजी टेक्निक सब सुन लो, करना तो यही है सर आपको। ठीक है सर। अब इसका पैसा मिलेगा क्या, सबको ही पैसा दे रहे हैं? नहीं भैया, वो नालायक राजू जिसके पास 3000 शेयर था ना, वो लास्ट कॉल नहीं दे रहा है, फेल्ड टू पे लास्ट कॉल। तो तुमको पता है मैंने सिखाया हुआ है, जो लोग पैसा देते हैं उसके लिए क्या डेबिट करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, और जो लोग पैसा नहीं देते उसके लिए क्या करते हैं, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, टू क्या, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल कितने का था, 1,00,000। वो नालायक राजू के पास 3000 शेयर था, उस पे फाइनल कॉल मैंने 1-1 रुपया करके वो कितना नहीं दिया, 3000। तो हमको कितना मिल गया, मिल गया है सर 97,000। बोलिए बात समझ में आ गया सर, बात तो बढ़िया सर। 97,000 सर, 97,000। बिन नरेशन लिखो, बिंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 1,00,000 शेयर्स। अब सारा बच्चा चिल्ला रहा है सर गलत लिखे, सर गलत लिखे, 1,00,000 पे नहीं मिला, 3,000 पे तो मिला ही नहीं है। रुको, स्टाइल से इंग्लिश लिखने दो, रुको रुको। एक्सेप्ट ऑन 3,000 शेयर, समझा, एक्सेप्ट ऑन 3,000 शेयर। मैं समझा दिया, 1,00,000 पे पूरा पे मिला, बस 3,000 छोड़ के मिला है। हाँ तो स्टाइल से लिखने का है सर, स्टाइल से। सर फिर क्या होगा, फिर इनका शेयर फोरफिट होगा। जैसे ही फोरफिट रहेगा, रुको पहले ये सोचो सम में सिक्योरिटीज प्रीमियम है कि नहीं है, क्योंकि आपको मैंने वो प्रोविजन समझा दिया है, सिक्योरिटीज प्रीमियम का कैंसिल कब होता है, नहीं होता है, तो सिक्योरिटीज में झमेला हो सकता है ना भैया। ये सब में तो इशूड एट पार बोला, तो प्रीमियम है ही नहीं, झंझट खत्म, चलो बच गए। तो जब फोरफीचर होगा तो फोरफीचर के दिन क्या एंट्री होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कॉल्स इन अरियर, टू फोरफिटेड शेयर। अच्छा भैया, कैपिटल में आता है कॉल्ड अप कैपिटल, फाइनल कॉल मंगा लिए तो फुल्ली कॉल्ड, तो एक एक शेयर का कॉल्ड अप कितना रुपया है, 10 रुपया। और ये आदमी के पास 3,000 शेयर था, 3,000 × 10 कितना, 30,000 होगा। कॉल्स इन अरियर इस आदमी का ये है 3,000 रुपया। तो आप चाहो तो डायरेक्टली समझ लो, या फिर ऐसे सोचो 3,000 शेयर पे फाइनल कॉल का 1 रुपया करके नहीं दिया तो 3,000। फोरफिटेड शेयर में बैलेंसिंग फिगर लिख लो ना, 30,000 - 3,000। कौन सोचेगा कि तुमने अक्कल लगाया कि नहीं, शॉर्टकट मारो ना एग्जाम में, ये 27,000 मिल गया भैया। 27,000 आपने जो फोरफिट किया, मैं क्वेश्चन पूछता हूं, देखता हूं कौन सा बच्चा लोग मुझे बोलता है, मेरे को जरा बताना सर, कौन सा बच्चा मुझे जवाब देता है, मुझे देखना है। ये जो 27,000 आपने फोरफिट किया है, कितने शेयर्स पे फोरफिट किया है मुन्ना, बताना कितने शेयर्स पे फोरफिट किया है, कितने शेयर्स पे फोरफिट किया है भैया। सुनिए ना, ये तो मैंने 27,000 जो फोरफिट किया ना भैया, हमने 9,000 शेयर पे 27,000 फोरफिट किया है, तीन हजार शेयर पे। तो भैया एक शेयर पे कितना फोरफिट किया है, तो 27,000 / 3,000 यानी एक एक शेयर में 9 रुपया फोरफिट किया है। आप ऐसे सोच सकते हो, या फिर इधर से सोचो ना, 10 रुपया का शेयर में अरियर 1 रुपया था, तो कितना वो दे दिया था, 9 रुपया, तो एक एक शेयर में 9 रुपया फोरफिट हो जाएगा।
तो 3000 शेयर पे 9 रुपया माने 27,000 फोरफिट हो गया। समझ में आ रहा है? हाँ भैया, नरेशन नरेशन मैं नरेशन लिखा देता हूं, लिखो। बींग 3000 शेयर्स फोरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल मनी फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल मनी नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल मनी देखो सर यहां तक। मैं रुक गया एक बार, आप यहां तक देखो, नरेशन लिखो सर। देखो हो गया सर, सर सम खत्म। नहीं 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 नहीं, नहीं सम का खत्म हुआ, रुको। ये सारा शेयर रीइशू कर दिया हमने 7 में, तो सारा शेयर अगर रीइशू कर दिया 7 में मुन्ना, सारा शेयर अगर रीइशू कर दिया 7 में तो रीइशू का एंट्री करना पड़ेगा। तो रीइशू का एंट्री क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट, फोरफिटेड शेयर्स डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। याद है ना मेरे साथ साथ? भैया 10 का शेयर आपने 7 में रीइशू कर दिया, 3 रुपए डिस्काउंट हो गया, ठीक है ना? अच्छा सर 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 कितना शेयर इश्यू हुआ? 3000 का 3000 शेयर इश्यू हो गया रे मुन्ना। 3000 का 3000 शेयर, तो 7 * 21 3 * 9 3 * 10 = 30। सर क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं, तुम लिखो ना अमाउंट। हाँ, शेयर इश्यू हो गया। हाँ बिंग 3000 शेयर्स रीशूड एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹3 पर शेयर। बिंग 3000 शेयर्स रीशूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 3 पर शेयर। बिंग 3000 शेयर्स रीशूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 3 पर शेयर। देखिए सर, ठीक है सर यहां तक, ठीक है सर। आगे बढ़े, आगे बढ़िए। जैसे रीइशू की तो प्रॉफिट ऑन रीइशू निकालना पड़ेगा। जो लोग मेरे साथ पहले से क्लास किए हैं, जरा बताओ तो यहां पर वर्किंग करना पड़ेगा कि वर्किंग नहीं करना पड़ेगा? प्रॉफिट ऑन रीइशू के लिए, प्रॉफिट ऑन रीइशू का एंट्री हमें पता है। एंट्री होगा फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये मुझे पता है, ये मुझे पता है एंट्री। मैं बोल रहा हूं वर्किंग करके निकालना पड़ेगा नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया था नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड और नंबर ऑफ शेयर अगर रीइशूड सेम है तो आपको वर्किंग करने का जरूरत नहीं है। फोरफिटेड शेयर अकाउंट का बैलेंस ही आपका प्रॉफिट ऑन रेशियो है। मतलब आप देखो यहां पर कितना है भैया, भैया 27,000 है क्रेडिट में, डेबिट में कितना है 9,000। नेट कर लीजिए ना थोड़ा सा, 27 एंड 9 को नेट कीजिए, 27 क्रेडिट 9 डेबिट, नेट किया तो कितना आ रहा है सर 18,000। बात समझ में आ रहा है? 18,000। तो प्रॉफिट ऑन रीइशू आपका आ गया भैया शॉर्टकट तरीका 27 क्रेडिट 9 डेबिट, यहां 18। थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर, ठीक है। बिंग क्या प्रॉफिट ऑन रीइशू क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व? ये देखो सर, मैं धीरे धीरे गया सर पहले समय,
अगर किसी को ज्यादा स्लो लगा तो ठीक है, किसी को फास्ट लगा तो मुझे बताओ, मैं स्लो हो जाऊंगा। क्योंकि पहला पहला समय सर अगर मैं स्लो नहीं जाऊंगा, टाइम नहीं दूंगा तो कैसे चलेगा। मजा आ गया सर आपको? यहां तक कोई तकलीफ है, कोई शंका, अशंका, दुविधा, जिज्ञासा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। कोई डाउट है? नहीं नहीं बोलना पड़ेगा, बोलो बोलो, जल्दी से बोलो, आलसी बच्चों जल्दी बोलो। नहीं भैया और कोई डाउट नहीं, नहीं है? चलो फिर मैं आपको एक दूसरा सम करा देता हूं सर। दो नंबर में आ जाओ सर, दो नंबर लो, इतना कर लिए, सम नंबर टू में आ जाइए। हमारे बुक में प्रश्न संख्या दो, क्वेश्चन नंबर टू, प्रश्न संख्या दो, क्वेश्चन नंबर टू क्या है सर? देखो मैं आपको पहले लास्ट लाइन पढ़ाता हूं। शो फॉरफीचर एंड रीइश्यू एंट्री, मतलब इस सम में आपको सारे एंट्रीज करने का जरूरत नहीं है, हम सिर्फ फॉरफीचर और रीइश्यू का एंट्री करेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो चलो पढ़ते हैं सम को। एक्स लिमिटेड इशूड द शेयर्स ऑफ 10 ईच। अच्छा, 10 रुपए का शेयर है, फेस वैल्यू 10 है, एंड पेमेंट शेड्यूल वॉज एज अंडर। और कैसे कैसे पेमेंट लेना देना है वो बता रहा है। बोलता है एप्लीकेशन का 3 रुपया, अलॉटमेंट का 3, फर्स्ट कॉल का 2, फाइनल कॉल का 2, 3, 3, 6, 10 ही है। मतलब ये शेयर इश्यूड एट पार है, सम में प्रीमियम का कोई चर्चा नहीं है। तो फॉरफीचर के वक्त प्रीमियम का सोचने का जरूरत ही नहीं है मेरे को। बच गए सर, बच गए सर, बच गए सर, बच गए। हाँ ठीक है, देखो ना क्या बोल रहा है। दो अलग अलग केस है, पहला केस बोल रहा है, एक एक केस करके बात करना। मिस्टर ए, मिस्टर ए टू हुम 3000 शेयर्स वर अलॉटेड, उनके पास कितना शेयर है? 3000 शेयर, ठीक है। फेल्ड टू पे, हाँ फेल कर गया, क्या चीज में? अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। लो जी, मिस्टर ए अलॉटमेंट भी नहीं दिया और फर्स्ट कॉल मनी भी नहीं दिया। अच्छा अच्छा एंड ही शेयर्स वर इमीडिएटली फॉरफिटेड बिफोर फाइनल कॉल। ध्यान से रखना, ये लोग बोल रहा है तुरंत फॉरफिट कर लिया फाइनल कॉल करने के पहले ही। मेरे सवालों का जवाब दो। आपका क्या सवाल है अब? मेरा सवाल है मिस्टर ए ने कौन कौन सा पैसा नहीं दिया? सर मिस्टर ए ने अलॉटमेंट भी नहीं दिया, भैया सुनिए ना, अलॉटमेंट भी नहीं दिया और फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, नहीं दिया। तो भैया उसके बाद क्या बोला है कि हमने उससे अभी तक फाइनल कॉल मांगा ही नहीं है। फाइनल कॉल 2 रुपया का अगर हमने उससे मांगा ही नहीं है, मतलब हमने कॉल किया ही नहीं है। तो आज जब हम मिस्टर ए का शेयर फॉरफिट कर रहे हैं तो 2 रुपया तो कॉल किए ही नहीं है। तो 10 रुपया में से 2 रुपया कॉल नहीं किया तो कॉल्डअप कितना है? ये कॉल्डअप तो 8 रुपया है। हाँ कॉल्डअप कितना रुपया मुन्ना? 8 रुपया। अब 8 रुपया कॉल किया है, उसमें से उसने कितना दिया है? भैया वो सिर्फ एप्लीकेशन मनी दिया है 3 रुपया का। हाँ कितना नहीं दिया उसने भैया? 3 रुपया और 2 रुपया, 5 रुपया नहीं दिया। बात समझ में आ रहा है? सब में कोई प्रीमियम का चर्चा तो नहीं है? नहीं सर। तो सुनो ना, ये लोग फॉरफीचर का एंट्री करने बोल रहा है। मैं अगर फॉरफीचर का ही बात करूं सिर्फ, अभी मैं फॉरफीचर रीइश्यू बाद में सोचेंगे, मैं आपके लिए लिख रहा हूं यहां पर ऐसे, बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, हड़बड़ाइएगा नहीं, एक्स लिमिटेड, मुझे लिखने दीजिए जर्नल। हाँ मेरा क्वेश्चन मेरा ये है, जब मैं मिस्टर ए का शेयर फॉरफिट करूंगा तो एंट्री क्या करूंगा? हाँ, सर एंट्री तो वो घिसा पिटा है, हमें पता है। एंट्री विल बी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट टू फॉरफिटेड शेयर। अच्छा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बट एग्जाम में आप फुल लिखोगे। शॉर्ट लिखने का पूरा पावर भगवान ने सिर्फ टीचर्स को दे रखा है, स्टूडेंट्स को नहीं दिया है। स्टूडेंट्स को फुल फॉर्म लिखना पड़ता है। बोले ये क्या बात हो गया भैया? बस यही बात है सर। सुनो ना मेरा बात, आगे सुनो। इक्विटी शेयर कैपिटल टू कॉल्स इन एरियर टू फॉरफिटेड शेयर। हाँ भैया एक एक करके, आज जब ए का शेयर फॉरफिट कर रहे हैं तो ए का कॉल्डअप कितना है? सर ए से फाइनल कॉल 2 रुपया हमने नहीं मंगाया, तो 10 में 2 रुपया नहीं मंगाया तो कितना मंगा लिया? 8। तो आज तो भैया कॉल्डअप तो 8 रुपया है।
अरियर कितना है, ये अरियर का मतलब जितना उसने नहीं दिया। भैया उसने, आप जरा सा ध्यान से देखिए, उसने क्या क्या नहीं दिया भैया, उसने क्या क्या नहीं दिया, उसने अलॉटमेंट भी नहीं दिया और उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, मतलब टोटल उसने कितना नहीं दिया, 5 रुपया। तो मैं बोल रहा हूं 5 रुपया अरियर में जाएगा, एक एक शेयर का बात कर रहा हूं, 8 - 5 3 रुपीज फोरफिट होगा। या फिर ऐसे सोच लो, उसने 3 रुपया दिया था और जितना वो देता है हम मार के रख लेते हैं एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, याद है मेरा सारा लाइन, यही तो काम का चीज है सर, यही तो असली काम का चीज है। तो भैया ठीक है सर, ऐसा कोई दिक्कत वाला बात तो है नहीं, देख लो भाई साहब यहां तक तो मेरा बात, भैया ठीक है, भैया ठीक है, फिर आगे बताओ भैया, आगे बताओ, आगे क्या बताएं सर। इधर सर कितना शेयर फोरफिट किया उसका, सर क्या 3000 शेयर था, तो लो ना आपको वैल्यू निकालना है तो मल्टीप्लाई करो 3000 से, मैं स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूं बच्चे। तो ये आपका आएगा 24,000, ये आएगा 15,000 और ये आएगा 9,000, समझ में आ रहा है? तुमको नरेशन लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, बिंग 3000 शेयर्स फोरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। बोलो जी सब ठीक ठाक है? सर मुझे आगे बढ़ने दो ना सर। हाँ तो चलो आगे बढ़ो, कौन मना किया, आगे क्या बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है, देखो सर इसका शेयर रीइशू नहीं करोगे, आने तो दो स्टोरी यार, पढ़ने तो दो पहले। मिस्टर बी के लिए बोलता है, मिस्टर बी टू हुम 2000 शेयर्स वर अलॉटेड, मिस्टर बी को हमने 2000 शेयर अलॉट कर दिया, ठीक है, फेल टू पे बोथ द कॉल। अच्छा 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 रुको, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, मिस्टर बी ने दोनों कॉल नहीं दिया, मतलब फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, फाइनल कॉल भी नहीं दिया, एंड ही शेयर्स वर फोरफिटेड आफ्टर फाइनल कॉल, और उसका शेयर फाइनल कॉल के बाद फोरफिट हो रहा है, फाइनल कॉल के बाद फोरफिट हो रहा है, फाइनल कॉल हो गया है, मतलब ये शेयर फुल्ली कॉल्ड अप है, मतलब जिस दिन मिस्टर बी का शेयर फोरफिट कर रहे हैं उस दिन कॉल्ड अप कितना है शेयर्स का, 10 रुपया, क्योंकि फाइनल कॉल हो गया भैया बी से और वो फाइनल कॉल नहीं दिया, तो फाइनल कॉल हो गया मतलब पूरा का पूरा पैसा मंगा लिए, फुल्ली कॉल्ड है, मतलब एक एक शेयर का कॉल्ड अप 10 रुपया है। तो आज जब मिस्टर बी का शेयर फोरफिट हुआ, सेम डे में नहीं हो रहा है, ए का शेयर फोरफिट हुआ फाइनल फर्स्ट कॉल के बाद, अब बी का शेयर आज फोरफिट कर रहे हैं फाइनल कॉल के बाद, तो एंट्री तो वही है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट टू फोरफिटेड शेयर अकाउंट। बोलो सर यहां तक समझ में आ रहा है? हां जी सर, हां जी सर, सर 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 आगे बताओ सर, आगे सुनो ना, इसका वैल्यूज बात करते हैं, आज कॉल्ड अप 10 रुपया करके एक एक शेयर का फाइनल कॉल के बाद, इसका अरियर क्या है, सुनो ना, इसने फर्स्ट कॉल का 2 रुपया नहीं दिया, फाइनल कॉल का 2 रुपया नहीं दिया, मतलब कितना नहीं दिया, 4 रुपया, तो भैया इसका अरियर है 4 रुपया। सॉरी 10 में से 4 नहीं दिया तो कितना रुपया दे दिया है, 6 रुपया, तो एक एक शेयर में कितना फोरफिट करेंगे, 6 रुपया। अच्छा इसके पास कितना शेयर था, 2000, तो अगर इसका 2000 शेयर हम फोरफिट करेंगे आज, तो वैल्यूज निकालना है सर, वैल्यूज समझना है, 2000 × 10 दैट इज 20,000 रुपीज, 2000 × 4 दैट इज 8,000 रुपीज, 2000 × 6 दैट इज 12,000 रुपीज, बींग 2000 शेयर्स फोरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। देखो सर कैसा लगा,
बोलो कैसा लगा, हाय लगा। तो क्या कुछ नहीं यार, समझ में आ गया ना, ठीक है बस इतना ही है। तो सुनो ना, पहले 3,000 शेयर फोरफिट हुआ, बाद में 2,000, टोटल कितना शेयर फोरफिट हो गया, 5,000। अब 5,000 फोरफिट करने के बाद बोलता है ऑल द शेयर्स वर लेटर रीशूड फुल्ली पेड 8 पर शेयर। फुल्ली पेड 8 मतलब फाइनल कॉल के बाद रीइशू हो रहा है, 10 का शेयर 8 रुपया में रीइशू हो रहा है, मतलब 2 रुपया डिस्काउंट है। सर 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 मेरे को एक डाउट है सर, पहले क्लियर करो सर। क्या डाउट है सर? हम लोग जब ए का शेयर फोरफिट किए थे वो तो 8 का कॉल था ना, तो उसके लिए तो 8 का शेयर 8 में मतलब 0 डिस्काउंट है। हाँ, बी का फाइनल कॉल के बाद फोरफिट हुआ है तो 10 का शेयर 8, 2 रुपया डिस्काउंट। गड़बड़ मत करो मुन्ना, आप ये सोच रहे बहुत अच्छा बात है, किंतु थोड़ा सा गड़बड़ सोच लिए ना। जब रीशू कर रहे हैं उस दिन कितना कॉल्ड है ये देखना है। बोलता है जिस दिन रीशू कर रहे हैं कब कर रहे हैं, फुल्ली कॉल्ड में कर रहे हैं, मतलब कहने का मतलब है फाइनल कॉल होने के बाद रीशू कर रहे हैं। और कितना शेयर बोल रहा है, ऑल 3 और 2 5,000 पूरा शेयर रीशू कर रहे हैं, 10 का शेयर 8 में रीशू कर रहे हैं, शो फोर फीचर एंड रीशू एंट्रीज बोला फिर। तो सुनो, 10 का शेयर 8 में हो रहा, समझ रहे ना? याद करो मैं आपको सिखाया था जब एंट्रीज, मैंने बोला था रीशू में कितना जाएगा, तो मैंने लिखाया था नंबर ऑफ शेयर क्या देखने का, रीशू, किंतु कॉल्ड अप कौन सा लेना था, ऑन द डेट ऑफ रीशू। आप मेरा नोट्स देख लो सर। तो भैया मैं क्या बोल रहा हूं, आज जब रीशू हो रहा है, सुनो मैं बोल रहा हूं बैंक अकाउंट डेबिट, मैं फिर से समझाता हूं, डोंट वरी। फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मैं बोल रहा हूं कैपिटल में कॉल्ड अप लेते हैं, किस दिन का, रीशू के दिन। आज जब रीशू करें फाइनल कॉल हो चुका है तो कॉल्ड अप कितना है मुन्ना, कॉल्ड अप तो 10 रुपया है ना। हां जी सर, समझ में आ रहा है ना? 10 का शेयर कितना में रीशू किया भैया, 10 का शेयर भैया 8 में रीशू कर दिया, 8 में, तो 2 रुपया डिस्काउंट है। और कितना रीशू कर दिया, बोलता है सारा का सारा शेयर, सारा का सारा मतलब 5,000। तो 5 into 40, 5 to 10, 5 10 50 है। मजा आया सर? नरेशन लिखना पड़ेगा ना। हाँ लिखो, Being 5,000 shares reissued at a discount of rupees 2 per share. Discount at 2 per share. देखो सर यहां तक ठीक ठाक है क्या? किंतु जैसे रीशू कर दिया वैसे प्रॉफिट ऑन रीशू निकालना पड़ेगा, और प्रॉफिट ऑन रीशू का जर्नल एंट्री आपको मेरे से बेहतर पता है। एंट्री होता है फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। क्या यहां पर प्रॉफिट ऑन रीशू निकालने के लिए अपने लोग को वर्किंग करना पड़ेगा? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि वर्किंग तभी करते हैं जब नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड और रीशूड सेम नहीं होता है। इस समय हमने फोरफीचर 2 बार किया है, एक बार 3,000 शेयर, एक बार 2,000, यानी 5,000 फोरफिट किया है, और रीशू भी तो 5,000 ही किया है। हाँ, तो जो फोरफिटेड शेयर अकाउंट में बैलेंस है वही प्रॉफिट है, वो कैपिटलिज्म में जाएगा। इधर देखो कैलकुलेटर निकालो। पहली बार कितना फोरफिट किया भैया? पहली बार 9,000 रुपया। फिर देखो दूसरा वाला में कितना फोरफिट किया, 12,000। तो यानी कि सुनो ना, हड़बड़ाना मत। पहले मैंने 9,000 फोरफिट कर लिया, फिर 12,000, यानी टोटल फोरफिट कितना कर लिया, 21,000। अब वहां से डिस्काउंट माइनस कर दो, ये वाला डिस्काउंट तो आपका 10,000 है। हाँ, तो वही तो बोल रहा हूं, 10,000 माइनस कर दो तो प्रॉफिट ऑन रेशू कितना बचा, 11,000। ये डायरेक्ट क्यों कर पाए? क्योंकि नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड एंड नंबर ऑफ शेयर रीइशूड सेम है। अगर ये दोनों सेम नहीं होता तो मैं ये शॉर्टकट नहीं कर पाता, मुझे वर्किंग करना पड़ता जो मैं पिछले क्लासेस में करके आया था। अच्छा, बीइंग प्रॉफिट ऑन
reissue credited to capital reserve. भैया 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 मेरे मन में एक और डाउट आ रहा है, प्लीज क्लीज प्लीज क्लियर कर दो. क्या डाउट भैया? ये जो आप ऐसे यहां कैलकुलेशंस बगल बगल में दिखाते हो, क्या हमें एग्जाम में दिखाना पड़ेगा? नहीं. ये मैं लिखता हूं आपके लिए, आप भी लिख के रख लो, रिवीजन के वक्त आसानी होगा. कुछ भूल गए तो लिखा हुआ बगल में तो याद आ जाएगा, पर एग्जाम में ऐसे आपको लिख के दिखाने का जरूरत नहीं. ठीक है भैया, ठीक है भैया. सर अगला सम बताओ. यहां तक ठीक है सर? अगला सम बताओ. अगला सम भी करना है 15 में, 1515. देखो देखो 15 15. सर आ गए सर 15 में, आ गया सर. चलो देखते हैं क्या बोल रहा है. जर्नलाइज द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू फोरफीचर एंड रीइश्यू. सारा एंट्रीज नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ फोरफीचर एंड रीइश्यू का एंट्रीज दिखाना है. मतलब एक फोरफिट करने का, एक रीइश्यू करने का और एक प्रॉफिट ऑन रीइश्यू का. बस इतना ही करना है सर. फोरफीचर रीइशू, प्रॉफिट ऑन रीइशू सर. फोरफीचर रीइशू और प्रॉफिट ऑन रीइशू. भैया हमें एक बार रीडिंग करने दो ना खुद से. करो करो, आप रीडिंग कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. एक बार आप रीड करो ना, करके देखो ना मुन्ना. करो करो, क्या बोल रहा है देखो. एक बार रीड कर लो. अब कोई बच्चे बोल रहे भैया एक बार हमें भी रीड करने दो थोड़ा सा प्लीज. मैं बोला ओके प्लीज. देख लो भाई साहब, मैं कब मना किया. पढ़ लिया, एक बार मैं रीड कर लूं. ठीक है, बोल रहा है क्या देखो. A holds 2000 share of 10 each. कोई मिस्टर A है, उसके पास 2000 शेयर है. कितने रुपए का? 10 रुपए का. On which he had paid 2 on application money. अच्छा अच्छा, उसमें 2 रुपया क्या है? एप्लीकेशन मनी है. चलो ये भी ठीक है, 2 रुपया एप्लीकेशन मनी है. तो 10 रुपया का शेयर है, उसमें 2 रुपया एप्लीकेशन उसने दिया है. ध्यान से समझना, ऑन विच ही हैड पेड 2 रुपीज एप्लीकेशन मनी. अच्छा, एप्लीकेशन मनी 2 रुपया उसने दिया है मिस्टर ए ने. ठीक है. बी होल्ड्स 4000 शेयर. कोई बी है, उसके पास 4000 शेयर है. ऑफ रुपीज 10 ईच, वो 10 रुपया का शेयर है. ऑन विच ही हैज पेड 2 ऑन एप्लीकेशन. एप्लीकेशन का 2 रुपया दिया है. एंड 3 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट. अलॉटमेंट का बोलता है 3 रुपए, उसने अलॉटमेंट भी दिया है. अच्छा, ए ने सिर्फ एप्लीकेशन मनी दिया है और बी ने एप्लीकेशन के साथ अलॉटमेंट का पैसा भी दिया है. वंडरफुल. सी होल्ड्स 3000 शेयर. कोई सी है जिसके पास 3000 शेयर है. ऑफ 10 इंच, 10 रुपए का है. एंड हैज पेड 2 ऑन एप्लीकेशन, उसने एप्लीकेशन का पैसा दिया है. 3 ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का 3 रुपए भी दिया है. एंड 3 ऑन फर्स्ट कॉल, अपना कोई फर्स्ट कॉल 3 रुपए का है, वो 3 रुपए भी दिया है. ये नहीं दिया है, ये नहीं दिया है, ये नहीं दिया है. मतलब ए ने सिर्फ एप्लीकेशन दिया है, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया. बी ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दिया है, फर्स्ट कॉल तो नहीं दिया है. और जो सी है, उसने अपने को एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल तीनों दिया है. ठीक है सर. दे ऑल फेल टू पे अरियर ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल. लो जी, इसके बाद एक फाइनल कॉल भी था, वो कितने का था?
सर वो तो बताया ही नहीं, बस इतना बोला फेल कर गया। तो निकाल लो ना भाई, एक शेयर 10 रुपए का है, कोई प्रीमियम का चक्करबाजी तो सब में डाला नहीं है। तो 10 रुपया में से देखो, 2 और 3, 5 और 3 8 हो गया, तो मतलब फाइनल कॉल 2 रुपए का है। और ये लोग बोल रहे तीनों का तीनों कोई भी ये नहीं दिया, जल्दी पकड़ो बात को, तीनों में से किसी ने ये रुपया नहीं दिया। देखो कैसे इंफॉर्मेशन स्कैटर करके दिया था हमने, एक जगह कर लिया। समझ में आ गया, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल कितना कितना रुपया का पता चल गया। ए ने सिर्फ एप्लीकेशन दिया था 2 रुपया, बाकी नहीं दिया 8 रुपया। बी ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दिया 2 और 3 5 रुपया, समझ रहा है ना, इसने 2 और 3 5 रुपया दिया और बाकी नहीं दिया सर 5 रुपया। और जो सी है 2 रुपया 3 रुपया 3 रुपया 8 रुपया दिया, 2 रुपया नहीं दिया, ठीक है। एंड द डायरेक्टर्स देयरफॉर फोरफिटेड देयर शेयर, और इन तीनों का शेयर फोरफिट हो गया। मतलब ए का 2000 शेयर फोरफिट हो जाएगा, बी का 4000 शेयर फोरफिट होगा, और सी का कितना था, 3000 था, हाँ 3000 शेयर फोरफिट होगा। देखो सर इतना दूर समझो, जो काम का चीज नहीं है मैं एक बार उसको उसको रब कर देता हूं। देखो मैं एक बार हटा दिया सर, आपको समझ में आया, ठीक है सर। सर फोरफिट हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? द शेयर्स वेर रीइश्यूड सब्सिक्वेंटली फॉर 12 पर शेयर फुल्ली पेड, और बाद में सारा का सारा शेयर रीइश्यू कर दिया। 10 रुपया का शेयर 12 रुपया में, 2 रुपया प्रीमियम में इशू है, डिस्काउंट है नहीं सर, प्रीमियम प्रीमियम अकाउंट में जाता है, और फोरफीचर और इशू का एंट्री करने बोल रहा है। देखो आप चाहो तो फोरफिट करते वक्त तीनों का एक साथ एंट्री दिखा सकते हो, पर मेरा एक अगर एडवाइस मानोगे और अगर आप चाहते हो कि सब में ना फंसे, तो अलग अलग आदमी का फोरफिचर अलग अलग एंट्री दिखाया करो, गलती नहीं होगा एग्जाम में सर। सर करने तो मैं एक एंट्री अभी कर दूं, क्या होता है ना हड़बड़ी में एग्जाम में गड़बड़ी हो जाता है, तीन अलग अलग आदमी अलग अलग स्टोरी है। आप एक साथ अगर फोरफिचर का एंट्री मारोगे मार लो, किंतु क्या होगा ना सर, अगर गलत हो गया, गलत होने का चांसेस हाई होता है, एज अ स्टूडेंट मैं बोल रहा हूं, तो कांड हो जाएगा। ऐसा ईगो क्यों पालना है, तीन आदमी है तीन का अलग अलग फोरफीचर दिखाओ, गलती होने का चांस ही नहीं रहेगा। मैं एक एक करता हूं, पहले ए का 2000 शेयर फोरफिट करेंगे। ए का सोचो, ए कितना रुपया दिया है, ए ने सिर्फ और सिर्फ अपना ये एप्लीकेशन मनी 2 रुपया दिया, बाकी तो कुछ दिया ही नहीं है। ए का कॉल डेप्ट कितना है, वैसे सारा पैसा मांगे हैं, तो फुल्ली कॉल 10 रुपया, 10 रुपया में 2 रुपया दिया है, कितना नहीं दिया है 8 रुपया। इतना चर्चा करने के बाद मैं लिखने गया क्वेश्चन नंबर 15, बुक्स ऑफ, और बड़ा नहीं, बुक्स ऑफ कंपनी का नाम तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं लिखा डॉट 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 और मैंने लिख दिया जर्नल। पहले मुझे ए का शेयर फोरफिट करना है, कोई प्रीमियम का चक्कर तो है नहीं, फोरफीचर का एंट्री सिंपल है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट टू फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट, साथ साथ चलते रहना। सर कैपिटल बताइए, कैपिटल कॉल्ड अप फुल्ली कॉल्ड 10 रुपया है सर, कॉल जी ने कितना नहीं दिया, उसने 8 रुपया नहीं दिया, और उसने पे किया था सिर्फ एप्लीकेशन में नहीं 2 रुपया, तो फोरफिट करेंगे 2 रुपया। और उस मिस्टर ए के पास कितना शेयर्स है, तो आंसर है 2000, तो 2000 शेयर फोरफिट होगा, तो 2000 × 10 दैट इज 20,000, 2000 × 8 16, 2000 × 2 4000। मजा आ गया सर, मैंने अभी सिर्फ मिस्टर ए का शेयर फोरफिट किया, घबराइए नहीं, ए का शेयर। फिर मैं बी का शेयर फोरफिट करना चाहता हूं जिसके पास 4000 शेयर है। ध्यान लगाओ, बी ने एप्लीकेशन का 2 रुपया दिया है और अलॉटमेंट का 3 रुपया, उसने 5 रुपया दिया है और बाकी 5 रुपया उसने नहीं दिया, और फुल्ली कॉल्ड है। तो समझो जब मैं फोरफिट करने जाऊंगा, जर्नल एंट्री तो वही है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हाँ भैया, टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट हाँ भैया, टू फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट हाँ भाई हाँ, एकदम सही बोल रहे भैया। सुनो ना, कॉल्ड अप तो है 10 रुपया, ठीक है सर, कॉल्स इन अरियर कितने रुपए का है, 5 रुपए का हाँ, और फोरफिटेड शेयर्स कितने रुपए का है, 5 रुपया। अरे अरियर 5 है, और जितना 5 रुपया वो दिया है ना, 2 रुपया 3 रुपया 5 रुपया, हम फोरफिट कर लेंगे,
उसका कितना शेयर था भैया? मुझे जहां तक याद है 4000 शेयर था, तो उसका 4000 शेयर 4 फीट होगा, 4000 × 10 दैट इज 40,000, दिस इज 20,000 एंड 20,000। एक एक करके मैं 4 फीट करता हूं सर, मेरे लिए आसान रहेगा, एग्जाम में गलती होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। अब चाहो तो पंच करके एक साथ भी मार सकते हो एंट्री तीनों का। अब मैं तीसरे आदमी का शेयर फॉरफिट करने गया, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर टू फॉरफिटेड शेयर। सुनो ना, मिस्टर सी जो है उसने एप्लीकेशन का 2 रुपया, अलॉटमेंट का 3, 5 और 3 रुपया फर्स्ट कॉल का दिया, 8 रुपया उसने पे किया, तो हम फॉरफिट 8 रुपया करेंगे उससे, और 2 रुपया उसने पे नहीं किया अरियर, और कॉल्ड अप तो 10 है। तो भैया इसमें समझने का क्या है, कॉल्ड अप वैल्यू 10 है सर, यहां 10 लिखना चाहिए। अरियर उसका कितना नहीं दिया, फाइनल कॉल 2 रुपया नहीं दिया, तो कितना दे दिया 8 रुपया, और उसका नंबर ऑफ शेयर कितना फॉरफिट करेंगे हम लोग, 3000 शेयर। लो जी सर लो, दिस विल बी एक्चुअली 30,000, दिस इज 6,000 एंड 24,000। चलते रहो चलते रहो। रुकने का नहीं है सर, देखो फॉरफीचर का तीन आदमी का मैंने 3 एंट्री किया, मैं वही समझा रहा, आप चाहो तो कंबाइन करके 1 एंट्री कर लो सारा अमाउंट जोड़ के, क्योंकि एंट्री सेम है। पर क्या होगा ना कि एक साथ जब लिखने जाओगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, मैं बस वही कंफ्यूजन नहीं चाहता हूं क्रिएट, ठीक है ना। मैं बोलता हूं हमेशा 2 मिनट एक्स्ट्रा ले लो, किंतु एकदम ठीक ठाक उतार के आओ। हमने कितना शेयर फॉरफिट कर लिया, जरा दिमाग लगाओ तो, 2000 + 4000 = 6000 और 3000 = 9000 शेयर। अब बोलता है शेयर्स आर रीइश्यूड सब्सिक्वेंटली फॉर 12, मतलब 9000 का 9000 शेयर रीइश्यू कर दिया 10 का शेयर 12 में, तो रीइश्यू किया है प्रीमियम में, तो एंट्री बनना चाहिए। ये सारा केसेस मैं समझाया हूं लास्ट क्लास में, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अच्छा सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, सिक्योरिटीज TIES। सुना सुना सुना, 10 रुपए का शेयर 12 रुपया मेरे इशू किया, 2 रुपया प्रीमियम, हमने कितना शेयर इशू किया है, सारा का सारा सर, सारा का सारा शेयर हमने रिशू कर डाला, सारा का सारा शेयर हमने रिशू कर डाला। बोलो सर यहां तक समझ में आ रहा है ना? अच्छा ये कितना आ रहा है लिख लो, 90,000, 9 × 18 और ये हो गया 1,08,000। अच्छा मैंने इस समय नैरेशन नहीं लिखा, क्योंकि नैरेशन मैं पहले लिख के आ गया हूं, नैरेशन अब आप संभाल लोगे, मैंने दो दो समय नैरेशन भर भर के लिख दिया सर, अब आप संभाल लेना नैरेशन, कहीं नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। सर ये तो रीइश्यू हो गया, अब ये प्रॉफिट ऑन रीइश्यू, सुनो नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड 9000 है, फॉरफीचर भी 9000 ही था, तो वर्किंग करने का तो जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट ही निकाल लूं। देखो ना एक एक करके, पहले आदमी का कितना फॉरफिट हुआ, इधर देखो 4000 रुपए, उसके बाद कितना फॉरफिट हुआ है 20,000, मतलब 24, उसके बाद कितना फॉरफिट हुआ है 24, देख रहे हैं ना, 24 + 24 कितना फॉरफिट हो गया, 48,000 का फॉरफीचर हो गया सर, 48,000 का फॉरफीचर हो गया सर, 48,000 का फॉरफीचर हो गया, 48,000 का फॉरफीचर हो गया। तो भैया 48,000 का फॉरफीचर हो गया, ठीक है, डिस्काउंट कितना दिया रीइश्यू में, सर रीइश्यू करते वक्त तो कोई डिस्काउंट है ही नहीं, तो डिस्काउंट हो गया 0, तो पूरा 48 ही फायदा हो गया, ये कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो लास्ट एंट्री फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, इसमें 48 बैलेंस पड़ा हुआ है और पूरा ही प्रॉफिट ऑन रीइश्यू है, क्योंकि डिस्काउंट तो कुछ है नहीं, तो टू कैपिटल रिजर्व 48। मैं धीरे धीरे हौले हौले चलने का कोशिश किया इस उम्मीद में कि आपको बस समझ में आ जाए सर, समझ में आ जाए तो मजा आता। तो सारे बच्चे लोग बचपन में भी ये चैप्टर करते ही हैं, ऐसा बात है नहीं करते, किंतु क्या आपको धीरे धीरे डेप्थ में जाना पड़ेगा। मैं धीरे धीरे जाता, आई बिलीव इन स्लो पॉइजनिंग, मतलब धीरे धीरे जहर दिया जाता है, तो मैं भी कॉन्सेप्ट ऐसे धीरे धीरे लेके जाता हूँ। अगर आप बहुत हड़बड़ा के सीखना चाहते हैं तो मैं वो आदमी नहीं हूँ, किंतु आप बहुत गहराई में सीखना चाहते हैं कोई भी चीज को, तो मैं आपके लिए वो सही आदमी, मैं इतना ही बोल सकता हूँ।
आजकल लोग बहुत हड़बड़ी में सीखना चाहते हैं, इसलिए सस्टेनेबिलिटी लॉन्ग टर्म नहीं है सर। हड़बड़ी मत करा करो पढ़ाई में सर, डेप्थ में जाने का कोशिश करो। 2 दिन एक्स्ट्रा लग जाए, 20 दिन एक्स्ट्रा लग जाए, किंतु चीजों को डेप्थ में जानो, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में जब सिचुएशन है क्या बोलोगे, हमको जल्दी जल्दी करना था, पास करना था, इसलिए हम पढ़ के नहीं, छोड़ के चले गए, ऐसा थोड़ी ना होता है। और डेप्थ में जानोगे तभी आप, तभी आप लोग को आगे ग्रोथ मिलेगा लाइफ में। लोग आपको पैसे देंगे क्यों काम करने के लिए, आपको चीज आना चाहिए ना, आपको आएगा नहीं तो एक जगह जाके अटक जाओगे हमेशा लाइफ में। सर समझ गए सर, आगे चलो सर। सर आगे कौन सा सम कराओगे, आगे चलो, आगे मैं आपके लिए एक सम कराता हूं, सम नंबर 12 है मेरे पास। हाँ आ जाओ सम नंबर 12। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं पहले आप ये सम एक बार रीड कर लो, एक बार आप रीड कर लो फिर मैं देखता हूं। रीड करो आप पहले, रीड करो, रीड करो, जल्दी जल्दी रीड करो, मैं 1 मिनट देता हूं, फटाफट रीड करो। सर सम में प्रेफरेंस शेयर बोल रहे हैं, हाँ तो जैसे इक्विटी शेयर का काउंटिंग है वैसे ही प्रेफरेंस शेयर। पढ़ लिया, देखो क्या बोल रहा है, गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव फोरफीचर एंड रीइशू इन द बुक्स ऑफ कंपनी। फोरफीचर रीइशूज का एंट्री मांगा अपने से, तो मैं अभी दिखा देता हूं फोरफीचर रीइशू का क्या एंट्री है, डेटा पढ़ो और फटाफट करो, फोरफीचर रीइशू और प्रॉफिट ऑन रीइशू, इसी का तो एंट्री चलेगा, और क्या चलेगा सर, और तो कुछ चलेगा नहीं सर। ठीक है सर, एक सेकेंड रुक जाइए सर। हाँ देखिए मिस्टर लंबू, अरे वो लॉन्ग लंबू, हु वॉज द होल्डर ऑफ 2000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच। अच्छा उसके पास 2000 शेयर था 100 ईच का, ठीक है, एक एक का फेस वैल्यू 100 है, बट 10 नहीं है 100 है, ठीक है सर, ऑन विच 75 पर शेयर हैज बीन कॉल्ड अप। ओ 100 में से कॉल्ड अप अभी 75 ही है, मतलब बाकी 75 रुपया में से 25 रुपए कॉल्ड अप हुआ ही नहीं है, समझो ना, 100 रुपए का शेयर है तो बोल रहा है अभी तक कॉल्ड अप कितना है, हाँ 100 में से 75 कॉल्ड है, ठीक है होने दीजिए। बोलता है कुड नॉट पे हिज ड्यू ऑन अलॉटमेंट, बोलता है वो आदमी अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाया, एंड फर्स्ट कॉल ईच एट 25 शेयर, ईच अलॉटमेंट का 25 रुपया, फर्स्ट कॉल का 25 रुपया, बोले नहीं दे पाया, और यहां तक 75 कॉल्ड है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि पक्का पक्का एप्लीकेशन मनी भी 25 रुपया ही है। तो वह जो अभी तक 75 कॉल्ड है ना, उसमें सामने वाला अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल मनी नहीं दे पाया, मतलब 50 रुपया, तो कौन सा पैसा दे दिया, एप्लीकेशन। भैया फाइनल कॉल कितने रुपए का होगा, फाइनल कॉल भी 25 रुपया का ही होना चाहिए, लॉजिकली सोचो, फाइनल कॉल भी 25 रुपए का ही होना चाहिए। फाइनल कॉल भी 25 रुपए का होना चाहिए, समझ में आ रहा है, किंतु फाइनल कॉल तो अभी तक कॉल हुआ ही नहीं, चलो ये भी ठीक है। द डायरेक्टर्स फोरफिटेड द अबव शेयर, तो बोला इनका 2000 का 2000 शेयर फोरफिट कर लो, तो जिस दिन फोरफिट करने जा रहे हैं ध्यान रखो कॉल्ड अप 100 नहीं है, कॉल्ड अप 75 है, तो कैपिटल में 75 डेबिट होगा, अरियर 50 रुपया है, और जितना 25 रुपया दिया मार के रख लेंगे फोरफिटेड शेयर में हो जाएगा, एंड रीशूड 1500 शेयर टू मिस्टर नाटू, अरे वही मिस्टर शॉर्ट, एट 65 पर शेयर पेड अप 75। अच्छा 75 का 65 में रीशू हो रहा है, 75 का 65 में रीशू हो रहा है,
75 का, अच्छा 10 रुपया डिस्काउंट में री इश्यू कर रहे हो, हाँ किंतु सारा शेयर रीइश्यू नहीं हो रहा है मुन्ना, 2000 में 1500 ही रीइश्यू हो रहा है। तो भैया इस बार प्रॉफिट ऑन रीइश्यू निकालने के लिए शॉर्टकट नहीं चलेगा, आपको वर्किंग करके दिखाना पड़ेगा। सही पकड़े हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, इस बार वर्किंग करना पड़ेगा। मैं करके दिखाओ तो एंट्रीज अभी दिखा देता हूं, कंपनी का नाम वाम तो दिया नहीं है। प्रश्न संख्या 12, क्वेश्चन नंबर 12 लीजिए, प्रश्न संख्या 12, क्वेश्चन नंबर 12 आ जाइए, लिखिए बुक्स ऑफ डॉट डॉट, लिखा क्या आपने? यस सर। आगे लिखिए जर्नल मुन्ना, जर्नल और लिख दिया हमने सर, आगे बताओ आगे। सुनो ना, हमें तो सिर्फ फोरफीचर रीशू और प्रॉफिट ऑन रीशू का एंट्री मारना है बस भाई, और कुछ नहीं चाहिए। फोरफीचर का एंट्री क्या होता है भैया? इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू कॉल्स इन एरिया टू फोरफीचर शेयर, बस फर्क इतना है, इस बार इक्विटी शेयर नहीं, इस बार प्रेफरेंस शेयर है। अब ध्यान दो, प्रेफरेंस शेयर है, तो इक्विटी की जगह प्रेफरेंस बोलना है। मतलब पहला एंट्री होगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर टू फोरफिटेड शेयर, बस इक्विटी की जगह प्रेफरेंस। मैं समझाना चाह रहा हूं, प्रेफरेंस शेयर का भी फोरफीचर हो सकता है, हमको पता है, सारे बच्चे लोग सिर्फ इक्विटी कर करके पगला होते हैं, अगर प्रेफरेंस दे दिया तो एग्जाम में कंफ्यूजन आ जाएगा। तो वही दूर कर रहा हूं कंफ्यूजन, कि भैया कंफ्यूज मत होना, इक्विटी प्रेफरेंस का सेम कहानी। कॉल्ड अप वैल्यू 100 नहीं है, 75, उसने अलॉटमेंट का 25 रुपया, फर्स्ट कॉल 25, 50 रुपया नहीं दिया, अरियर 50 रुपया, बाकी फर्स्ट कॉल 25 रुपया दिया तो फोरफिट हो जाएगा। और उनका कितना शेयर फोरफिट करना है भैया? 1500 नहीं नहीं फोरफिट 2000 करना है, 1500 तो रीइश्यू बोला था। अरे फोरफिट तो 2000 होगा, 1500 रीइश्यू बोला था, ध्यान रख लो सर, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आ गया इधर समय वापस, मुझे वैल्यूज लिखने दीजिए, 2000 × 75 150,000, दिस इज 1 लाख एंड दिस इज 50,000। नरेशन तो आप संभाल लोगे, मुझे पता है, नरेशन आप संभाल लेना सर, छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं। देखा इसके बाद पर सर 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 1500 शेयर इश्यू कर रहे हैं, 75 का 65, आज कॉल्ड अप 75 है ना, तो 75 कॉल्ड अप एट 60, 10 रुपया डिस्काउंट में इश्यू। आज फुल्ली कॉल्ड नहीं बोला है, देखो पेड अप 75 बोला है और 65 मांग रहे शेयर होल्डर से, तो 10 रुपया डिस्काउंट दिए, तो एंट्री वही बनना है। सुनो ना, बैंक अकाउंट डेबिट, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट डिस्काउंट के लिए, किंतु ध्यान रखना टू इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यही समझाना था मेरे को। तो हर लैंग्वेज आपको दिखाना, आपको तो हर गली से मैं लेके जाऊंगा सर, कोई भी गली मतलब बिना पहचाना मैं नहीं हूं, एग्जाम में कोई भी गली में घुमाए आपको, आप टन देरी से मार के जाओ, खत्म। 75 का 65, 10 रुपया हो गया डिस्काउंट। हाउ मेनी शेयर्स आर रीइश्यूड? 1500 शेयर्स आर रीइश्यूड, यू कैन डू दिस, यस सर। तो 1500 मल्टीप्लाइड बाई 65 इज एक्चुअली 97,500। Now this one is going to be your 15,000 and then 1500 multiplied by 75, 1500 multiplied by 75 is 1,12,005. Profit on reissue will be transferred to capital reserve. So profit on reissue ko capital reserve mein dalna hai. So forfeited shares account debit to capital reserve. Forfeited shares account debit टू कैपिटल रिजर्व। किंतु सर यहां पर शॉर्टकट नहीं चलेगा, क्योंकि फोरफीचर 2000 है और रीइश्यू 1500 है, तो इस समय अपने को वर्किंग करके प्रॉफिट ऑन रीइश्यू निकालना पड़ेगा। तो आइए ना सर, प्रॉफिट ऑन रीइश्यू निकालने चलते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलक्यूलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन रीइश्यू, कैलक्यूलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन रीइश्यू।
कैसे लिखेंगे सर? पहले लिखेंगे अमाउंट फोरफिटेड पर शेयर, अमाउंट फोरफिटेड पर शेयर। इधर देखिए, हमने एक एक शेयर में कितना फोरफिट किया? 25 रुपए। तो अमाउंट फोरफिटेड पर शेयर 25। माइनस करते यहां से, याद है कि भूल गए सब? सब याद है। डिस्काउंट ऑन रीशू पर शेयर, डिस्काउंट ऑन रीशू पर शेयर, देखो ना ये रहा 10 रुपया है। डिस्काउंट ऑन रीशू पर शेयर 10 रुपया, तो 10 रुपया यहां से डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो एक एक शेयर पे फायदा 15 रुपया का है। ये 15 रुपया क्या है? 15 रुपया क्या है? बोलना क्या है सर? हमको क्या पता? अरे नाला है, प्रॉफिट ऑन रीशू पर शेयर है ये, प्रॉफिट ऑन रीशू है, मगर एक शेयर। हम प्रॉफिट कितने शेयर पे निकालते हैं? जो शेयर रीशूड हो गया। तो अगला लाइन, देयर फोर प्रॉफिट ऑन, हमने कितना शेयर इशू कर लिया? 1500, 1500 शेयर रीशूड। एक शेयर पे प्रॉफिट 15 रुपया है, तो 1500 शेयर अगर रीशू करेंगे तो उस पे प्रॉफिट कितना होगा? 22500। तो प्रॉफिट ऑन रीशू है 22500, प्रॉफिट ऑन रीशू है 22500। तो फोरफिटेड शेयर्स डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये फिगर कितना है? 22500। बोलिए सर, यहां तक समझ में आ गया सर? उस एंट्री में 22500 लिखो। चले सर, हो गया सबका? चलो सर एक बढ़िया सम करा। सर अब कौन सा सम कराओगे? अरे मेरे पास सम का कमी नहीं है। मेरा एक एक चैप्टर में, देखो मैं क्लास वर्क में कितना सम कराता हूं, देखो 18 18 20 20 सम कराता हूं यार। कोई कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ते सर, हम ऊपर से नीचे तक पूरा कॉन्सेप्ट कवर करते हैं। कोई नहीं कराता सर इतना क्लास में, मुझे पता है बढ़िया से। मतलब बने रहो, आपको घर में एक्स्ट्रा मेहनत करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। मैं इतना सम्स क्लास में करा देता हूं कि आपको कहीं और मेहनत करना ही नहीं है। जितना मैंने कराया अगर उतना ही करके आप चले जाओगे तो आपका बेड़ा आराम से पार हो जाएगा, आराम से। हाँ आप लोग का मेहनत भी हम करने को रेडी है, बस साथ तो आपको देना पड़ेगा ना। आपका मेहनत कम कर दूंगा ना कि घर में बैठ बैठ के प्रैक्टिस करो, इतना करो वो करो, नहीं करना। जितना मैं कर रहा हूं बस कर लो, हो गया, सारा कॉन्सेप्ट कवर्ड है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक्स लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर पेबल एज अंडर। अच्छा 1 लाख शेयर इशू हो रहा है मुन्ना, 1 लाख शेयर हमारा इशू हो रहा है, 10 रुपए का शेयर, 2 रुपया प्रीमियम, मतलब इशू प्राइस 12 रुपया है। देखो लास्ट लाइन पढ़ रहा हूं, जर्नल एंट्रीज बनाना है एक्स के बुक्स में, ठीक है? पहले सम तो पढ़ ले भाई साहब, जर्नल एंट्री तो बनता बनाता रहेगा जिंदगी भर, सम पढ़ने दो सर। बोल रहा है एप्लीकेशन का 2 रुपया है, अलॉटमेंट का 5 रुपया, फर्स्ट कॉल का 3 रुपया, फाइनल कॉल का 2, 5 और 10 7 3 10 12, तरी तो 12 रुपया हो रहा है। हाँ ठीक ही है ना, 10 रुपया का शेयर, 12 रुपीज इश्यू प्राइस, 2 रुपया प्रीमियम है। सर प्रीमियम कहां पर? ये तो समय बोला ही नहीं। तो मेरा पहला 2 क्लास याद कर लो, मैंने पहले क्लास में बता दिया था, इफ द लोकेशन ऑफ प्रीमियम इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन देन अज्यूम द प्रीमियम टू बी लोकेटेड इन, वेरी गुड, अलॉटमेंट मनी। सही बोला, एकदम सही बोला, अलॉटमेंट मनी। मतलब अलॉटमेंट के अंदर 2 रुपया प्रीमियम घुसा हुआ है, मतलब अलॉटमेंट का 5 रुपया को मन की आंखों से देखो, उसमें 2 रुपया प्रीमियम है,
बाकी 3 रुपए कैपिटल पोर्शन है। सर मजा आ रहा है, मजा आ रहा है ना, आगे बढ़ो। द एप्लीकेशन वेर रिसीव 1,20,000 शेयर, 1,00,000 शेयर हमने इशू किया था, एप्लीकेशन 120। मेरा दिमाग सोचना चालू कर दिया, भाई एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिला है तो दो ही काम हो सकता है, या तो रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्ट बोलेगा तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंड कर देंगे, और प्रोराटा बोलेगा तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी को हम लोग अलॉटमेंट में एडजस्ट करके दिखा देंगे। सर होना तो यही है, इसके अलावा कुछ होना नहीं है। सही बोल रहे हो, आगे बढ़ने दो। ऑफ विच 20,000 एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड। फिर से हंसी आ गया चेहरा पे, प्रोराटा नहीं बोला, रिजेक्ट बोला है, तो 20,000 एक्सेस एप्लीकेशन पे जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिला होगा ना तुम रिफंड कर देंगे टू बैंक करके सेकंड एंट्री में। समझ में आ रहा है ना सर, इतना बार लिख लिया सर, अब तो समझ में आना ही चाहिए सब। फिर बोल रहा है मिस्टर ए, ये आदमी मिस्टर ए, टू हुम 3,000 शेयर्स वर अलॉटेड। अच्छा, उसको कितना शेयर अलॉट हो रखा है? 3,000 शेयर। फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। लो जी लो, रुको रुको, मिस्टर ए अलॉटमेंट भी नहीं दिया और फर्स्ट कॉल मनी भी नहीं दिया, ठीक है, एंड ही शेयर्स वर फॉरफिटेड बिफोर फाइनल कॉल, और फाइनल कॉल करने के पहले ही उसका शेयर फॉरफिट हो गया, मतलब फर्स्ट कॉल के बाद। अब यहां पर कई सारे सवाल हैं, उसका जवाब चाहिए, क्या क्या सोचना। देखो, हमने फाइनल कॉल करने से पहले ए का शेयर फॉरफिट कर लिया, तो जिस दिन ए का शेयर फॉरफिट किया उस दिन कॉल्ड अप कितना होगा भैया? कॉल्ड अप मैं बताता हूं, 2 रुपया प्लस 5 रुपया 7 रुपया और 3 रुपया 10 रुपया। ना 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 ना, ये जो तुम 10 रुपया बोल रहा है इसमें ना 2 रुपया प्रीमियम घुस गया है, कॉल्ड अप में प्रीमियम नहीं आता। कॉल्ड अप का डेफिनेशन याद करो, पहले क्लास में पहले दिन भी टोका था हम, इट इज दैट पार्ट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर Which has been called or demanded from the shareholder. तो प्रीमियम नहीं होगा, प्रीमियम छोड़ के 8 रुपया। मैं बोलता इतना मत सोचा करो, फेस वैल्यू 10 रुपया शेयर का। हाँ, कितना कॉल नहीं किया पता कर लो। सर सर 10 में से 2 रुपया कॉल अभी तक नहीं हुआ है, तो कितना कॉल हो गया? 8 रुपया। तो बस मैं इतना बोल रहा हूं, ए का शेयर जिस दिन फोरफिट हो रहा है उस दिन कॉल्ड अप 8 रुपया है, पहला। बहुत बढ़िया समय सर, ये बहुत बढ़िया है। दूसरा, समय प्रीमियम है ना, तो फोरफीचर के वक्त यह सोचना पड़ेगा कि प्रीमियम कैंसिल होगा कि नहीं होगा। प्रीमियम कहां पे है भैया? प्रीमियम ना अलॉटमेंट में है। सोचो मिस्टर ए अलॉटमेंट का पैसा दिया कि नहीं दिया? ना भैया, मिस्टर ए तो नालायक, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। अगर वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो अलॉटमेंट के अंदर जो प्रीमियम है वो भी ऑब्वियसली नहीं दिया। अगर उसने नहीं दिया तो मैं कंपनी, मुझे अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला। अगर मुझे अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला तो इंग्लिश में बोलूंगा सिक्योरिटीज प्रीमियम नॉट रियलाइज्ड इन कैश, एंड इफ सिक्योरिटीज प्रीमियम इज नॉट रियलाइज्ड इन कैश इट शैल बी कैंसल्ड एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर। यानी जब आप ए का शेयर फॉरफिट करोगे आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम कैंसल करना पड़ेगा। सोच लो ना, मिस्टर ए अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, प्रीमियम अलॉटमेंट मनी के अंदर है, तो अगर उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया तो अलॉटमेंट के अंदर का प्रीमियम भी नहीं दिया। अगर ए ने नहीं दिया तो मैं कंपनी, मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा प्रीमियम नॉट रियलाइज्ड इन कैश, एंड लॉ बोलता है, कंपनीज एक्ट बोलता है, इफ सिक्योरिटीज प्रीमियम इज नॉट रियलाइज्ड इन कैश It shall be cancelled at the time of forfeiture. तो जब मैं A का शेयर फोरफिट करूंगा तो मुझे सिक्योरिटीज प्रीमियम कैंसिल करना पड़ेगा। मेरे बातों को ध्यान से सुनना पड़ेगा सर, कंसंट्रेशन हाई रखना पड़ेगा, जरूरत पड़े तो थोड़ा सा पीछे जाके फिर से सुन लो मैंने क्या बोला अभी तक, तो आपके लिए बहुत फायदा रहेगा। फिर बोलता है मिस्टर बी टू हुम 2,000 शेयर्स वर अलॉटेड। कोई मिस्टर बी नालायक है जिनके पास 2,000 शेयर है, फेल्ड टू पे, उसने क्या फेल कर दिया? देखो ध्यान से, बोथ द कॉल, दोनों कॉल नहीं दिया, मतलब मिस्टर बी फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया और फाइनल कॉल भी नहीं दिया,
दोनों का लुटिया डुबा दिया। अच्छा ठीक है, नहीं दिया। फिर आगे बोल रहा है, एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर फाइनल, एंड हिज शेयर्स आर फॉरफिटेड आफ्टर फाइनल कॉल। अच्छा फाइनल कॉल के बाद उसका शेयर, अच्छा उसका शेयर फॉरफिट हो गया फाइनल कॉल के बाद। तो अगर फाइनल कॉल के बाद शेयर फॉरफिट हो रहा है, मतलब शेयर फुल्ली कॉल्ड है। 12 रुपया नहीं, 10 रुपया कॉल्ड अप बोलते हैं, क्योंकि कॉल्ड अप में प्रीमियम नहीं ले सकते। तो जिस दिन मिस्टर बी का शेयर फॉरफिट हो रहा है, उस दिन कॉल्ड अप पूरा 10 रुपए। दूसरा, सब में प्रीमियम है और फॉरफिचर हो रहा है, तो प्रीमियम कैंसिल होगा कि नहीं होगा सोचना है। तो जरा सोचो प्रीमियम कहां पर है। हाँ, लोकेशन ऑफ प्रीमियम क्या है। यह प्रीमियम तो भैया आपका अलॉटमेंट में है। अब सोचो मिस्टर बी ने क्या नहीं दिया। सर मिस्टर बी ने ना फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया और फाइनल कॉल भी नहीं दिया, तो क्या उसने अलॉटमेंट दिया है। हाँ अलॉटमेंट दिया है। अगर मिस्टर बी ने अलॉटमेंट का पैसा दिया है, तो श्योरली अलॉटमेंट के अंदर का प्रीमियम भी दिया ही होगा। हाँ सर प्रीमियम दिया होगा। अगर उसने दिया मैं कंपनी, तो मुझे ये प्रीमियम मिल गया होगा। हाँ मिल गया होगा। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्रीमियम रियलाइज इन कैश। हाँ भैया हम लोग बोलेंगे प्रीमियम रियलाइज इन कैश बोलेंगे। और सर इफ सिक्योरिटीज प्रीमियम इज रियलाइज इन कैश, तो लॉ क्या बोलता है, इट शैल नॉट बी कैंसल एट द टाइम ऑफ फॉरफिटर। जब बी का शेयर फॉरफिट करोगे, तो ध्यान रखना सिक्योरिटीज प्रीमियम कैंसल नहीं होगा। अरे बाप रे बाप, सर ए का प्रीमियम कैंसिल होगा किंतु बी का प्रीमियम कैंसिल नहीं होगा। ध्यान रखना ये सब बात। आगे, ऑल दिस शेयर्स वर लेटर ऑन रीइश्यूड एट द रेट 9%। ऑल मतलब पहले 3000 फॉरफिट किया, बाद में 2000, तो टोटल 5000 फॉरफिट किया है। तो ऑल अगर रीइश्यू कर रहा है, मतलब कितना रीइश्यू करेगा, ऑल मतलब पूरा 5000 शेयर, समझ रहे हैं ना। ऑल बोला है, ऑल मतलब पूरा 5000 शेयर रीइश्यू जाएगा। और बोलता है जर्नल एंट्री एक्स के बुक्स में। तो मेरे ख्याल से कोई चांप वाला चर्चा है नहीं, फटाफट खत्म किया जा सकता है। तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4। हिंदी में वैसे ही बोलेंगे ना, प्रश्न संख्या 4। आइए लिखिए, बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। ला 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 ला। अरे सर ये सब शेयर वाला चैप्टर तो बहुत मजेदार है, इश्यू ऑफ शेयर, इसमें चांप ही नहीं है सर। किंतु जितना समय करा उतना कर लोगे तो बस हो गया, उसके अंदर से सब काम हो जाएगा आपका। चलो ना, चलिए ना, मैं एक एक करके कर रहा हूं सर। सुनो, पहला एंट्री मिलेगा मुझे एप्लीकेशन मनी मिलेगा, तो जब एप्लीकेशन मनी पहले दिन मिलेगा, तो इसका एंट्री बनना चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। साथ साथ लिखते चलना, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मनी 2 रुपया करके है, हमें 1,20,000 शेयर पे मिल रहा है, 2 रुपया करके मिल रहा है ऑन 1,20,000 शेयर। यानी आज कितना मिल गया, 2,40,000। 2,40,000 जो एक्सेस एप्लीकेशन हुआ था वो रिजेक्ट होगा, वो लोग बोला है। तो सॉरी रिजेक्ट होगा, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, मालिक का पैसा मालिक का डब्बा में डालो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्ट बोला है, तो रिजेक्ट बोला है तो रिफंड कर दो पैसा टू बैंक। एप्लीकेशन मनी कितने का था, 2,40,000 का, 2,40,000 का, 2,40,000 का था। अच्छा एप्लीकेशन मनी 2 रुपया करके, नंबर ऑफ शेयर अलॉट हुआ है 1 लाख, यानी 2,00,000 रुपया तो कैपिटल में डाल के खत्म करो सर, कैपिटल में डाल के परे करो, खत्म करो। और देखो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना मिला, बैलेंस 40,000, इसको रिफंड करने बोल रहा है, मैं कर दिया सर। कैसे निकला ये, अरे बाबा 2 रुपीज करके एक्सेस एप्लीकेशन 20,000 शेयर का था ना, तो 40,000। सर आप नरेशन नहीं लिखे, अरे नरेशन तो मैंने सिखा दिया ना पहला 2-3 सब में, तो नरेशन आप संभाल लोगे मैं उम्मीद करता हूँ। पर हाँ नरेशन एग्जाम में लिखना कंपलसरी है, बाद में मत बोलना भैया आप नहीं लिखे तो मैं भी नहीं लिखा। अब नरेशन इस लेवल में आप संभाल लोगे, मैंने इसलिए 2-3 सम का दिखा दिया नरेशन। सर ठीक है, सर आगे बताओ। एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट में, अलॉटमेंट में थोड़ा ध्यान देखो, इधर देखो इधर, अलॉटमेंट में थोड़ा ध्यान दो। अलॉटमेंट का जो टाइम है 5 रुपया करके है,
मिस्टर ए अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहा है, सर वो सब फालतू बात नहीं करेंगे, पहले आपको भीख मांगने, जब भीख मांगेंगे सबसे, ना ज्यादा से ना कम से, सबसे, याद है ना भैया? अच्छा हाँ, मतलब ये सोचना नहीं है, ये पैसा नहीं दिया? नहीं सर अभी नहीं सोचना है, अभी पहले भीख मांगते हैं, भीख मांगने का एंट्री कीजिए। तो भीख मांगने का एंट्री क्या होगा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट दे दे बाबा, मालिक से अलॉटमेंट का पैसा मांग रहे हो। टू क्या? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, वेरी वेरी गुड, और प्रीमियम भी था तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, वेरी वेरी गुड। बोलो हो गया सर? सर वैल्यू तो लिखा ही नहीं, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं और तुम सोच रहे हो भैया लिखे तो मैं लिखूं, हम लोग एक दूसरे का इंतजार करते हैं। चलो भैया मजाक मत करो, ना लिखो ना। अच्छा ठीक है यार, अलॉटमेंट मनी 5 रुपए करके, 5 रुपए अलॉटमेंट मनी है, इसे प्रीमियम कितना रुपया? प्रीमियम था 2 रुपया का, तो बाकी 3 रुपया कैपिटल पोर्शन है, और भीख मांगेंगे तो सबसे, सबसे मतलब कितना शेयर हमारे पास? 1 लाख, याद है ना? ना ज्यादा से ना कम से, सबसे। तो मत देखो ना कौन नहीं दे रहा पैसा, ए वे छोड़ो ना, भीख तो मांगो पहले। तो 1 लाख शेयर पे 5 रुपए करके मांग रहे हैं, जिसमें 3 रुपया कैपिटल का है और 2 रुपया प्रीमियम का है। तो दिस इज गोइंग टू बी 5 लाख एंड दिस इज 3 लाख एंड दिस इज हाउ मच? 2 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख। और अपना नाचना हो गया, आगे लिखिए सर। अच्छा ठीक है, सॉरी यार गुस्सा क्यों होते हो, रुको भैया। अलॉटमेंट का भीख मांग लिया, अब अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा क्या? सबको ही पैसा दे रहा है? हाँ भैया सबको ही पैसा दे रहा है, बस एक नालायक मिस्टर ए है वो पैसा नहीं दे रहा है, उसको छोड़ के सब पैसा दे रहा है। तो ठीक है, आपको तो मेरा तरीका पता ही है, सुने आप मेरे मुंह से, जो लोग पैसा देता है उसके लिए क्या डेबिट करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट। और जो लोग पैसा नहीं देता उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं भैया? जो लोग पैसा नहीं देता उसके लिए कॉल्स इन अरियर लिखते हैं, वेरी गुड। टू क्या भैया? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट लिखेंगे, वेरी गुड। अब जरा दिमाग लगा, अलॉटमेंट मनी कितने रुपए का है? ये तो 5 लाख रुपए का है, 5 लाख मिलना था। हाँ, अब मिस्टर ए जो नालायक है उसके पास कितना शेयर था भैया? उसके पास 3000 शेयर था, 3000 शेयर। अच्छा, तो मिस्टर ए के पास 3000 शेयर में वो अलॉटमेंट मनी 5-5 रुपया करके नहीं दिया, मतलब कितना नहीं दिया भैया? उसने 15000 नहीं दिया सर। तो 5 लाख रुपए में 15000 अरियर हो गया, तो कितना रुपया मिल गया? 485 मिल गया। कर लिया? मैं थोड़ा रुका कि मुझे लगा कि रुकना चाहिए यहां पर, आप लोग लिख लिए होंगे यहां पर। सर हो गया, सर हो गया, फॉरफिट करते हैं क्या सर? भैया अभी नहीं, अभी रुको भैया, इतना क्या हड़बड़ी है? तो कब क्यों फॉरफिट करना भैया? फर्स्ट कॉल के बाद करना है। तो अब तो फर्स्ट कॉल आ ही गया टाइम। तो पहले फर्स्ट कॉल का भीख मांगेंगे। फर्स्ट कॉल कौन नहीं दे रहा है भैया? ए भी नहीं दे रहा है और बी भी नहीं दे रहा है। किंतु भैया सुनिए, भीख मांगते वक्त ये सब मत सोचिए कौन नहीं दे रहा है। जब भीख मांगेंगे सबसे मांगेंगे, ना ज्यादा से ना कम से, हमारे सारे शेयर होल्डर से मांगेंगे। तो भैया हमारे तो 1 लाख शेयर होल्डर है, सबसे मांगेंगे। तो पहले भीख मांगो, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, टू 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 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू 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 टू, ठीक है ना? अच्छा फाइनल कॉल मनी कितने करके देख रहे मुन्ना? फाइनल कॉल मनी भैया 3 रुपए करके, तो आप 3 रुपए करके हमारे सारे शेयर होल्डर, 1 लाख शेयर होल्डर से मांग लो, यानी कितना होगा? 3 लाख रुपए। अब थोड़ा सावधानी बरतना सर, यहीं पर अब थोड़ा सा सम का टर्बुलेंस यहीं पर है, कृपया कुर्सी की पेटियां बांध ले, मौसम बिगड़ने वाला है, ठीक है ना? मौसम बिगड़ने वाला है। अच्छा, अब फर्स्ट कॉल का पैसा सबको ही दे रहा है क्या? नहीं सर। कौन नहीं दे रहा है?
भैया एक नालायक ए है वो नहीं दे रहा है और एक नालायक बी है वो भी नहीं दे रहा है, दोनों आदमी नहीं दे रहे हैं। ए का कितना शेयर था? 3,000 और बी का कितना शेयर है? 2,000। तो सुना नहीं दे रहा है ना, नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है, मैं क्या करूं, नहीं दे रहा है पैसा नहीं। अरे भैया सोचने से नहीं होगा, एंट्री करना पड़ेगा। जो लोग पैसा देता है उसके लिए बैंक डेबिट, और जो लोग पैसा नहीं देता है उसके लिए कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। हाँ, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल का मिलना कितना था? 3,00,000 रुपया मिलना था। हाँ, मिलना था बिल्कुल 3,00,000। कौन पैसा नहीं दिया? एक नालायक ए, एक नालायक बी। ए के पास कितना शेयर था? 3,000 शेयर, और बी के पास 2,000। फर्स्ट कॉल मनी 3 रुपया करके ए ने कितना नहीं दिया? 9,000, और 3 रुपया करके 2,000 शेयर पे 6,000 बी ने नहीं दिया। तो दोनों जन मिला के टोटल कितना नहीं दिया, कितना अरियर हो गया दोनों का मिला के? सर 15,000। तो यहां पर कॉल्स इन अरियर में आपको लिखना पड़ेगा ना 15,000। लिखो, अच्छा 3,00,000 रुपया में से 15,000 हमको नहीं मिला, अरियर हो गया। हाँ तो बाकी पैसा मिल जाएगा ना, 2,85,000। लिखो 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 लिखो। मिल गया सर, मिल गया सर, मिल गया सर, मिल गया सर। हो गया, हाँ हो गया सर। सर आगे चलो, सर सर आगे चलो, आगे चलें। इधर सुनो सर, सर 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 आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। फिर क्या करेंगे सर बताइए ना? फर्स्ट कॉल के बाद अब फाइनल कॉल कर लेते। नहीं 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 नहीं, मैं बोला था ना मौसम बिगड़ने वाला है, कुर्सियों की पेटी बांध ले, क्योंकि हमने फाइनल कॉल से पहले ए का शेयर फोरफिट करना है ना। देखो ना, बोला था ना ही शेयर्स वेयर फोरफिटेड बिफोर फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल करने के पहले ए का शेयर फोरफिट करना है। एक बार फिर से सोच लेते हैं ए के शेयर के बारे में सर, या कचरा हो गया थोड़ा मिटा देते हैं। अब ए के शेयर के बारे में सोचते हैं। ए ने अलॉटमेंट मनी भी नहीं दिया और फर्स्ट कॉल मनी भी नहीं दिया, और फाइनल कॉल के पहले ही उसका शेयर फोरफिट हो रहा है। आज जब उसका शेयर फोरफिट हो रहा है, फाइनल कॉल हमने नहीं किया है, 10 रुपया का शेयर 2 रुपया, 10 रुपया का शेयर 2 रुपया कॉल नहीं किया, तो कितना कॉल्ड अप हो गया? तो 8 रुपया कॉल्ड अप है। बात समझना भाई साहब, 8 रुपया का कॉल्ड अप है भैया, 8 रुपया कॉल्ड अप है। तो आज जब शेयर फोरफिट कर रहे हैं तो याद रखो कॉल्ड अप 8 रुपए का है। पहला चर्चा हुआ, पहला चर्चा हुआ तो ठीक है। दूसरा चर्चा, ए ने एप्लीकेशन मनी नहीं दिया, एप्लीकेशन के अंदर प्रीमियम 2 रुपया है। अगर वो एप्लीकेशन नहीं दिया तो एप्लीकेशन के अंदर का प्रीमियम नहीं दिया। अगर उसने प्रीमियम नहीं दिया, मैं कंपनी, मुझे प्रीमियम नहीं मिला, मैं बोलूंगा प्रीमियम नॉट रियलाइज्ड इन कैश। एंड इफ प्रीमियम इज नॉट रियलाइज्ड इन कैश, देन सिक्योरिटीज प्रीमियम शैल बी कैंसल एट द टाइम ऑफ फोरफीचर ऑफ शेयर। बोलो समझ आया? हाँ सर, समझ में तो आ रहा है। तो भैया सुनो ना, मैं ए का शेयर फोरफिट करने जा रहा हूं, मुझे एंट्री लिखने दो। मुझे लग रहा है एंट्री होना चाहिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम कैंसिल होगा तो सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, टू कॉल्स इन अरियर आना चाहिए, और साथ में टू फोरफिटेड शेयर। साथ साथ लिखो, बाद में देखना, पहले लिखो सर साथ साथ। सर एंट्री तो लिख लिया, वैल्यू बताओ। हाँ तो बताओ कॉल्ड अप कितना है? तो फाइनल कॉल के पहले कॉल्ड अप तो आपका 8 रुपया है, वेरी गुड। प्रीमियम कितना रुपया करके है? भैया 2 रुपया करके। अच्छा किसका शेयर फोरफिट कर रहे हो? भैया ए का। ए का कितना शेयर था? भैया ए का था 3,000 शेयर। तो 3,000 शेयर पे 8 रुपया करके कॉल्ड अप है, 8 + 24,000। 3,000 शेयर पे 2 रुपया करके प्रीमियम है, दैट इज 6,000।
सही है सर, सही है, सही है, सही है। आगे चले सर, चलिए। कॉल्स इन अरियर चाहिए, किसका अरियर कैंसिल करोगे? ए भी दोनों का? नहीं नहीं हाँ, तो ए का शेयर फॉरफिट हो रहा है भैया, तो ए का अरियर कैंसिल होगा। हाँ तो ए क्या नहीं दिया भैया? ए तो सबसे पहले अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। हाँ तो मिस्टर ए अलॉटमेंट के वक्त उसका कितना अरियर था? ये तो 15,000 था उसका अरियर। तो बात समझो, अलॉटमेंट के वक्त उसका अरियर था 15,000, दिखाई देने लग गया सबको। और फर्स्ट कॉल के वक्त उसका अरियर कितना है? देखो फर्स्ट कॉल के वक्त उसका अरियर कितना है? 9,000 अरियर है। तो 15,000 और 9,000, 15,000 और 9,000, तो उसका अरियर कितना हो गया टोटल? मैं ऐसे बाजू में समझा के लिख देता हूं, 15,000 प्लस 9,000 यानी अरियर 24,000 का हो गया। अब मैं यहां धीरे धीरे हौले हौले चलना चाहता हूं, सबको यही समझना है। समझो मुन्ना समझो, 24,000 प्लस 6, 30,000 डेबिट है, 30 में से 24 क्रेडिट हो गया, तो यहां पर बैलेंसिंग फिगर लिख लो ना 6,000, तो कितना फोरफिट हुआ? 6,000। अब मैं यहां कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, मैं उसका जवाब चाहता हूं आप सबसे, मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं और मैं आपसे उसका जवाब चाहता हूं। क्या क्वेश्चन है मैं पूछूं? रेडी हो? मुझे बताओ जरा सोच के, ये 6,000 जो आपने फोरफिट कर लिया मिस्टर ए से, कितने शेयर पे फोरफिट किया? कितने शेयर पे फोरफिट किया? सर ए का तो हमने 3,000 शेयर फोरफिट किया है, तो हां लॉजिकली रफ में समझो ऐसे, हमने 3,000 शेयर पे हमने 6,000 रुपए फोरफिट किए हैं, यानी एक एक शेयर पे कितना फोरफिट किया है? यानी 6,000 डिवाइडेड बाई 3,000 यानी 2-2 रुपया करके फोरफिट किया है। तो अगर आप ऐसे भी सोच सकते हो, हमने 3,000 शेयर पे 2-2 रुपया करके फोरफिट किया, ठीक है ना? एक बच्चा हंस रहा है, ए सर को समझ रहे हैं, इतना क्या सोचना था, जितना वो देता है हम फोरफिट कर लेते हैं। हाँ तो भैया वो दिया तो सिर्फ एप्लीकेशन मनी था ना, एप्लीकेशन 2 रुपए तो फोरफिट होगा, इतना घुमा के सोचा आपने, ठीक है पर सोच तो लिया ना सर, मैं दोनों तरह से सोचना सिखा दिया। भैया ये ना बेकार काम कर रहे हो। ना ना बेकार मत बोलो इसको, आगे जब सम खतरनाक बनेगा ना, यही सब कहानी मेरा बोला हुआ समझ में आएगा आपको, मेरा क्लास ऐसे ना बहते हुए निकलेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। और कब छोटा सा जल प्रवाह बड़ा नदी बन जाएगा ना, आपको पता ही नहीं चलेगा। चलो आगे। सर फोरफिट कर लिया सर 3,000 शेयर। अच्छा अगर 3,000 शेयर ये फोरफिट हो गया आज, तो ये लोग मेरे शेयर होल्डर हैं क्या? नहीं सर। अच्छा ये शेयर रीशू हो गया क्या? सर रीशू तो हुआ है किंतु अभी नहीं, बाद में जाके रीशू हो रहा है, तो आज रीशू हुआ है क्या? नहीं सर आज रीशू नहीं हुआ। तो अगर ये रीशू नहीं हुआ तो मेरा दिमाग क्या बोल रहा है? देखो आप समझ पा रहे होगा, हमारे नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड थे 1,00,000 शेयर, उसमें से 3,000 शेयर तो फोरफिट ही हो गया, तो ये लोग तो आज शेयर होल्डर है ही नहीं, तो मेरे नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने हैं? 97,000। तो आज अगर आप पूछोगे कि मेरा प्रेजेंट नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितना है, तो आंसर है 97,000। हमारे प्रेजेंट नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने हैं? 97,000। क्योंकि 3,000 फोरफिट कर लिया। हाँ रीशू कर दी होते ना तो मैं बोलता फिर से 1,00,000 शेयर हो गया, तो 3,000 शेयर तो अभी तक रीशू नहीं हुआ, तो अभी 97,000 शेयर होल्डर है। और थोड़ा इंग्लिश बोलता हूं, थोड़ा इंग्लिश हड़ू, नंबर ऑफ शेयर्स फ्लोटिंग इन द मार्केट इज 97,000 शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ आवर कंपनी विच इज फ्लोटिंग इन द मार्केट इज कितना? 97,000 शेयर। सर आपका नौटंकी खत्म ही होता है, ये सभी याद आएगा एग्जाम के दिन। अगर आप मेरे साथ क्लास कर रहे हो, जो लोग पुराने बच्चे हैं मेरे को हमेशा एक बात बोलते हैं, भैया आपका ना ये आवाज गूंजता है एग्जाम के दिन, हम लोग कुछ गलत लिखने जानते हैं ना तो आपका यही सब टोन याद आता है, आएगा आपको याद, इसीलिए करता हूं ये सब चीज। ठीक है सर, सर ठीक है सर, आगे सर आगे 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 चलो सर आगे आगे हो गया, आगे बढ़े। फिर बोलता है भैया इसके बाद फाइनल कॉल कर ले, ए का शेयर फोरफिट हो गया, फाइनल कॉल कर लो। फाइनल कॉल कितना करके? 2 करके। तो फाइनल कॉल जब करेंगे तो पहले भीख मांगेंगे, आपको पता है ना, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और आपको याद है जब भीख मांगेंगे
कभी ये मत देखो कौन पहले देगा, कौन बाद में देगा, कौन देगा कौन नहीं देगा। भीख मांगो तो सबसे, ना ज्यादा से ना कम से, मगर सबसे भीख मांगना पड़ेगा। तो जरा सबसे का मेरे को बताओ हमारे कितने शेयर होल्डर है? ना 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 ना, गलत बोल रहे, 1 लाख नहीं है अपना, ना ना 1 लाख था अभी थोड़ा देर पहले, हमने 3000 फोरफिट कर लिया, तो हमारे सारे शेयर होल्डर कितने बचे हैं अब? 97। तो जब मैं अपना फाइनल कॉल मनी 2-2 रुपया करके मांगने जाऊंगा ना, तो आई हैव टू डिमांड ऑन हाउ मेनी शेयर? 97,000, क्योंकि वो मेरे शेयर होल्डर ही नहीं बचे ना। जब भी भीख मांगेंगे सबसे, सबसे मतलब सारे शेयर होल्डर से, तो मेरे शेयर होल्डर तो अभी 97 ही है, तो 97,000 लोगों से भीख मांगो तो कितना होता है? 1,94,000। चेक कर लेना, बोलो ठीक है ना। और आगे बताओगे? जरूर बताएंगे बच्चे, ऐसा कोई बात नहीं है, जरूर बताएंगे। फाइनल कॉल हो गया आपका? हाँ। अब फाइनल कॉल मिलने का टाइम आ गया? हाँ। क्या सब कोई पैसा देगा? ना भैया ना, कौन पैसा नहीं देगा? भैया सुनिए ना, आप भूल गए, मिस्टर बी फर्स्ट कॉल के साथ फाइनल कॉल नहीं दे रहा है, तो फाइनल कॉल कॉल नहीं दे रहा है बी। बाकी लोग पैसा दे रहे हैं? हाँ। तो जो लोग पैसा देते हैं उसके लिए हम करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, और जो लोग पैसा नहीं देते हैं उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। और मैं लिख दिया टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल मिलना कितना था? 1,94,000। कौन फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे रहा भैया? वो नालायक मिस्टर बी। वो नालायक मिस्टर बी के पास कितना शेयर था? 2000 शेयर था। तो वो 2000 शेयर पे फाइनल कॉल मनी 2 रुपया करके 4,000 रुपया नहीं दिया, अरियर हो गया 4,000। तो 194 में 4,000 अगर अरियर हो गया तो कितना मिल रहा है मुन्ना? 190। तो बैंक में आ गया 190। हो सर फाइनल कॉल हो गया सर। अब ये लोग बोला था फाइनल कॉल के बाद मिस्टर बी का शेयर फोरफिट करने बोला था, देखो एंड ही शेयर्स वर फोरफिटेड आफ्टर फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल के बाद फोरफिट कर रहे हैं, तो आज कॉल्डअप वैल्यू तो फुल्ली कॉल्डअप, 10 रुपीज कॉल्डअप है। अब दूसरा सोचो प्रीमियम कैंसिल करना है क्या? प्रीमियम अलॉटमेंट में है, मिस्टर बी अलॉटमेंट का पैसा दिया है, अगर उसने अलॉटमेंट का पैसा दिया है तो अलॉटमेंट के अंदर का प्रीमियम भी दिया है, अगर उसने प्रीमियम दिया है तो मैं कंपनी, मुझे प्रीमियम मिल गया, तो मैं कंपनी इंग्लिश में बोलूंगा प्रीमियम रियलाइज इन कैश। और मुझे पता है कि अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम इज रियलाइज इन कैश, इट शैल नॉट बी कैंसल एट द टाइम ऑफ फोरफीचर, तो प्रीमियम कैंसिल नहीं होगा। तो भैया फोरफीचर के वक्त नॉर्मल एंट्री बनेगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू क्या? कॉल्स इन अरियर। टू क्या? फोरफीटेड शेयर। अगर आपको लगता है और थोड़ा स्लो करके देखना है, आप जिस ऐप में देख रहे हो ना उसमें देखो स्पीड स्लो करने का ऑप्शन है, स्लो करके देखो ना, और आपको लगता है कि मैं फास्ट हूं, सॉरी स्लो हूं और फास्ट करना है, तो ऐप में स्पीड बढ़ाने का भी ऑप्शन है, कर लो। अच्छा ठीक है सर। सर आज के दिन में कॉल्डअप 10 था, हम लोग बी का शेयर फोरफिट कर रहे हैं 2000 शेयर, यानी ये तो आ जाएगा 20,000। अब यहां पर इधर देखो कॉल्स इन अरियर कैंसिल करना है, किसका? बी का। बी ने क्या क्या नहीं दिया, बी का अरियर क्या है सुनो ना। एक तो बी ने फर्स्ट कॉल मनी में 6,000 रुपया नहीं दिया, वो उसका अरियर है। बी ने 6,000 रुपया नहीं दिया, उसका वो 6,000 अरियर है। और फाइनल कॉल में मुन्ना इधर देखो, फाइनल कॉल में उसका 4,000 रुपया अरियर है। 2,000 × 2 कितना होता है? 4,000। तो यहां पर ये 4,000 भी अरियर है, तो उधर में था 6,000 रुपया और इधर में 4,000, तो 6 × 4 = 10,000। मैं बोल रहा हूं इसका अरियर है 6,000 + 4,000 = 10,000। मैं आपको जैसे ये सब सॉल्व करना या लिखना सिखा रहा हूं वैसे लिख लो, दर्द कम रहेगा जिंदगी में,
और कोई दूसरा तरीका से लिखते हो तो राइट है सब तरीका सोचने का, मगर वहां पर दर्द ज्यादा होगा। ये मेरा चैलेंज। ठीक है सर। अच्छा अब क्या हुआ सुनो ना, इधर देखो डेबिट में 20 है, क्रेडिट में 10 है, टैली कराने के लिए सीधा बात है अमाउंट फोरफिट में 10 लिख दो, बैलेंसिंग फिगर। तो कितना फोरफिट हुआ है? 10,000। अब मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूं सर, ये सब जो सवाल पूछ रहा हूं ना सर, बेसिकली मैं आपके लिए बिल्ड कर रहा हूं फाउंडेशन, कि जब आप भारी भारी सम में आए तो ये सब जगह अटक के फंस दीजिए। मुझे बस इतना बताना, हमने मिस्टर बी से 10,000 फोरफिट किया है ना? हाँ सर किया है। कितने शेयर पे फोरफिट किया? सर उसके पास 2,000 शेयर था, हमने 2,000 शेयर पे फोरफिट किया। तो सुनो ना मेरा एक बार रफ में बात सुनो, मेरा रफ में एक बार बात सुनो। मैंने मिस्टर बी का 2,000 शेयर के 10,000 रुपए फोरफिट कर लिया, तो एक एक शेयर में हमने कितना अमाउंट फोरफिट किया है? तो 10,000 रुपए फोरफिट किया 2,000 शेयर होल्डर से, तो एक एक शेयर पे 5 रुपया करके फोरफिट। ऐसे सोच सकते हो क्या? एक एक शेयर पे 5-5 रुपया सर, 5-5। देख लो सर, मैं एक बार रुक गया सर, मुझे लगता कि रुक जाना चाहिए इसलिए मैंने रुक गया। अब ये 5 रुपया तुम लॉजिकली समझो, इधर मैं बोलता हूं 2,000 शेयर पे तुमने 5-5 रुपया करके फोरफिट किया है। अब ऐसे भी सोच सकते थे घुमा के, इधर देखो, इधर देखो, किसको देखे, मैं बताता हूं मिस्टर बी ने क्या क्या नहीं दिया भैया। फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दिया, तो उसने क्या दिया है? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। एप्लीकेशन का 2 रुपया, अलॉटमेंट 5, भैया तो 7 रुपया हो गया। 7 में 2 रुपया प्रीमियम तो फोरफिट नहीं करेंगे ना, तो 5 रुपया फोरफिट होगा। ऐसे सोच लो बात एक, आपको सोचना कैसे, मैं हर तरह से सोचने का तरीका सिखा रहा हूं सर आपको, आपको सीखना पड़ेगा सर अगर ये चैप्टर में परफेक्ट बनना है तो। सर ठीक है सर, फोरफीचर हो गया, फिर पढ़ने दो। ऑल दिस शेयर वेर लेटर रीशूड एट द रेट 9। ऑल मतलब 3,000 + 2,000, 5 का 5,000 रीशू किया 9 में, 10 का शेयर 9। मेरा बोलने का स्टाइल से ये मत समझने लग जाना कि मैं पहले क्या काम करता था, ठीक है ना, ऐसा कोई बात नहीं है। 10 का 9, इधर ध्यान दो, बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब गाना करेंगे इस टाइम कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। भैया 10 रुपया का शेयर 9 रुपया में रीइश्यू हुआ, तो डिस्काउंट कितना है? 1 रुपए का। How many shares were reissued? Can you tell me? How many shares were reissued? भैया सारा, सारा मतलब भैया 5 का 5। ये आएगा 5 9s are 45, this is 5,000 and this is 50,000. चेक करो सर, पांच का पांच हुआ सर। सर आगे बताओगे क्या? सर आगे क्या करें सर? हम जरूर बता देंगे, ऐसा क्या दिक्कत वाला बात है। फोरफीचर के बाद रीशू हो गया, रीशू के बाद प्रॉफिट ऑन रीशू आता है। एंट्री क्या होता है बताओ? यह एंट्री बनता है फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब बताओ इतना सारा सम हो गया, प्रॉफिट ऑन रीशू निकालने के लिए इस समय वर्किंग करोगे? तो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेयर, फोरफीचर भी 5,000 है, रीइश्यू भी 5,000 है, सारा शेयर इशू हो गया तो फोरफीटेड शेयर्स का जो बैलेंस है वही प्रॉफिट ऑन रीइश्यू है, वही कैपिटल रिजर्व में जाएगा सर, वही कैपिटल रिजर्व में जाएगा सर, कैपिटल नहीं कैपिटल रिजर्व में जाएगा। हाँ जी सर, कैपिटल रिजर्व में जाएगा। हाँ सर कितना आएगा सर दिखाइए, तो मैं दिखाता हूं, हड़बड़ी नहीं, मेरे साथ साथ मिस्टर ए से कितना फोरफिट कर लिया? 6,000 रुपया, वेरी गुड। फिर देखो मिस्टर बी से कितना फोरफिट कर लिया भैया? 10,000। तो जरा दिमाग लगाओ, पहले 6,000 फोरफिट किया, फिर 10,000,
तो टोटल फोरफीटेड शेयर्स में क्रेडिट बैलेंस कितने का है? 16,000। इसमें से डिस्काउंट माइनस करो, डिस्काउंट कितना चला गया? डिस्काउंट तो 5,000 ही है, तो माइनस कर दो 5,000, तो कितना बचा? प्रॉफिट ऑन रेशियो 11। ये शॉर्टकट चल गया क्योंकि नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड और नंबर ऑफ शेयर रीशूड सेम है। अगर ये दोनों सेम नहीं होगा तब ये शॉर्टकट नहीं है, तब तो वर्किंग करना पड़ेगा। देखो और बोलो समझ में आ रहा है क्या? क्या ठीक है? इधर देखो सर, हमें लिखने तो, अच्छा लिख लो यार, नहीं लिखा है लोग, साथ साथ लिखने का आदत डालो सर। अपने को एक और काम करना है, अपने को ना स्पीड बढ़ाना है। मैं जो साथ साथ लिखने बोलता हूँ, स्पीड बढ़ाना है मुझे आपका, क्योंकि तो आपका जो पेपर होता है ना बच्चे, बहुत लेंदी आता है, और अगर आपका स्पीड नहीं होगा ना तो आप कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे अपना पेपर 3 घंटे में, इतना लेंदी होता है बच्चे पेपर। और तभी कंप्लीट होगा जब आपके पास स्पीड रहे, और स्पीड कैसे आएगा सर? प्रैक्टिस से, बार बार आपको सम्स घर में ना लिख लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, घड़ी लेके क्लॉक प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कितना टाइम लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है, हर बार थोड़ा टाइम कम करना है। एक एक सम मैं जो करा रहा हूं, तीन तीन चार चार बार करके लिख के कर लिए बस, उसके बाद तो हिट है आप सर, उसके बाद कोई नहीं हो सकता, फुल मार्क्स है सर उसके बाद। ठीक है सर, चलो 4 नंबर है सर, हो गया। और कुछ बाकी है? रीश हो गया, प्रॉफिट हो गया सर, और तो कुछ नहीं है। हाँ सर, तो कुछ और कराओ सर। क्या कराएं सर, रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए सम का कमी नहीं है, इसको काट दो सर यहां पर। सम नंबर 14 रीड करो सर, घबराएं नहीं, आप सम नंबर 14 रीड करें। 1414 1414, एक बार आप सम रीड कर लें फिर मैं पढ़ूंगा सर। सम नंबर 14 रीड करें फिर मैं कराता हूं सर, बहुत बढ़िया सम है सर, एक बार आप रीड करो फिर मैं कराता हूं। ठीक है सर, इस समय मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, यहां पर ये लाइन भी काट दूं। एलोक्सी फोरफीचर इशू का पूछा था, मैं आपके साथ सारा एंट्रीज करना चाहता हूं, तब मैं थोड़ा सा चेंज कर लेते, मैं स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक सारा एंट्रीज करना चाहता हूं भैया, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक मैं सारे के सारे एंट्रीज करना चाहता हूं। अब मैं सम पढ़ रहा हूं, एक बार आपने रीड किया सर मैं भरोसा करता हूं, तो अब मैं आपके लिए सम पढ़ना चालू कर। ब्यूटीफुल कंपनी, सुंदर, अति सुंदर कंपनी, हाँ गलत मत समझो, इशू 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, 30,000 इक्विटी शेयर है 10 रुपए का, ठीक है, पेबल 3 per share ऑन एप्लीकेशन। अच्छा अच्छा एप्लीकेशन मनी कितना है? 3 रुपए। फिर बोलता है 5 per share इंक्लूडिंग 2 allotment में, अच्छा allotment में बोल रहे 5 रुपया जिसमें 2 रुपया प्रीमियम है, अच्छा मतलब इश्यू प्राइस 12 रुपया होगा, समझ में आ रहा मुझे, एंड 4 per share ऑन कॉल, अच्छा एक ही कॉल मनी है 4 रुपए का, तू ही मेरा पहला और तू ही मेरा फाइनल, मतलब मेरा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, फर्स्ट एंड फाइनल, 5 4 9 3 12, 10 का share 12, 2 रुपया प्रीमियम, प्रीमियम अलॉटमेंट में है, टकाटक पता चल गया मुझे। हाँ सर ठीक है, आगे बोलो। All the shares were subscribed. बोलता 30,000 शेयर हमने बाजार में इशू किया
30,000 ही सब्सक्राइब भी हो गया, तो खुशी का बात है सब्सक्राइब हो गया तो। मनी ड्यू ऑन ऑल शेयर्स वेयर फुली रिसीव, बोले सारे शेयर का पैसा सबको दे दिया, मेरा काम ही क्या बचा। एक्सेप्ट, हाँ देखो है ना नौटंकी, एक्सेप्ट मिस्टर राम, कोई राम है उसने पैसा नहीं दिया। होल्डिंग 500 शेयर, वो राम के पास कितना शेयर था, 500 शेयर, उसने 500 शेयर पे पैसा नहीं दिया। हु फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉलमन, अच्छा राम किस पे पैसा नहीं दिया, मिस्टर जो राम है वो अलॉटमेंट पे पैसा नहीं दिया और कॉल का भी पैसा नहीं दिया, राम जी ने अलॉटमेंट कॉल दोनों का पैसा नहीं दिया। अच्छा अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं दिया, कॉल का भी पैसा नहीं दिया, मतलब उससे कॉल तक का पैसा मांगे, फुल्ली कॉल्ड होगा उसका सर शेयर। एंड श्याम होल्डिंग 1000 शेयर हु फेल टू पे कॉल मनी, तो बोल रहा है भैया एक मिस्टर श्याम है वो क्या नहीं दे पा रहा है, सिर्फ कॉल मनी। तो राम तो अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी दोनों ही नहीं दिया और श्याम कॉल मनी नहीं दिया, घुमा के सोचो, अलॉटमेंट के वक्त राम नहीं दिया और कॉल के वक्त राम श्याम दोनों ही नहीं दिया, जोड़ीदार मिल गया कॉल के वक्त उसको। फिर बोलता है ऑल दोज 1500 शेयर वर फोरफिटेड, तो राम का 500 श्याम का 1000 टोटल, हाँ देखो ना भाई फोरफिट हो गया ना सर, फोरफिट 1500 शेयर हो गया, नहीं समझा, एक था राम एक था श्याम, मैं बोल रहा हूं राम का 500 शेयर और श्याम का 1000, तो टोटल फोरफिट कितना हो गया, हम बोल रहे हैं फोरफिट कितना हो गया, 1500 शेयर फोरफिट हो गया, ठीक है। ऑफ द शेयर्स फोरफिटेड, जो फोरफिट हुआ उसमें से हमने रीइशू कितना कर दिया, 1250 शेयर रीइशू हो गया। ओहो सारा शेयर रीइशू नहीं हुआ सर, अब तुम लोग मेरे साथ चैंपियन बन गया है, अगर सारा शेयर रीइशू नहीं हुआ इसका मतलब भैया जो प्रॉफिट ऑन रीइशू निकलेगा उसके लिए वर्किंग करना पड़ेगा, बढ़िया, किंतु ये समय बहुत बढ़िया बात है, मैं दिखाऊंगा अभी क्या बोल रहा है। इंक्लूडिंग होल शेयर ऑफ राम, बोलता है जो 1250 है इसमें राम का बोला है कि श्याम का, राम का, तो राम का पूरा 500 शेयर फोरफिट हुआ था, 500 ही रीइशू कर दिए, तो 1250 में 500 शेयर तो राम का रीइशू हुआ है, तो श्याम का कितना रीइशू है, सारा नहीं हुआ है, 750, मतलब 250 शेयर श्याम का अभी तक रीइशू नहीं हुआ, किसका कितना शेयर इशू है ये समझ लो। इस बार प्रॉफिट ऑन रीइशू वाला बहुत झकास पॉइंट है, क्या पॉइंट है, झकास, ठीक है ना। आगे फिर बोल रहा है एंड वे सब्सिक्वेंटली रीइशूड टू जदु एज फुल्ली पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 2 पर शेयर, 2 रुपए डिस्काउंट दे दिया, मतलब 8 रुपया में रीइशू किया और हमने सारा जर्नल एंट्री करना है, मांगा तो सिर्फ फोरफीचर था पर बढ़िया समय, मुझे पूरा करके दिखाना है। सब नंबर 14 चालू हो जाओ, तुम लोग ठीक कर लेना, हाँ मैंने ठीक कर दिया भैया। प्रश्न संख्या 14, क्वेश्चन नंबर 14, बुक्स ऑफ ब्यूटीफुल कंपनी लिमिटेड, नाम ही इतना सुंदर है, नाम ही सुंदर है, ब्यूटीफुल कंपनी लिमिटेड, जर्जर जर्जर नल 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 जर्नल, जरा कितना सारा बात है, मैं सब मिटा दूंगी तो समझ में नहीं आता आधा बात। हाँ चलो सब रेडी यार, चलो पहले एप्लीकेशन मनी मिलेगा, मुझे लिखने दो, पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मनी कितना करके था, अभी तो लिखा था कहाँ गया, एप्लीकेशन मनी 3 रुपया करके, कितने शेयर पे मिलेगा, 30,000, तो 3 रुपया करके 30,000 पे कितना होगा, 90,000, 3 रुपया करके 30,000 शेयर पे 90,000, हो गया सर, हो गया सर, हो गया सर, हो गया सर, आगे चला जाए। अब इसके बाद एप्लीकेशन का पैसा मालिक का डब्बा में डालोगे, डालिए,
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 90,000। ठीक है सर, आगे सर, एप्लीकेशन का स्टोरी हो गया, फिर अलॉटमेंट का बारी आया। चलो अलॉटमेंट का भीख मांगो पहले, अलॉटमेंट का भीख मांगने का, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट दे दे बाबा टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम प्रीमियम। ये अलॉटमेंट मनी मेरा 5 रुपया करके था, इसमें 2 रुपया प्रीमियम है, 3 रुपया कैपिटल। और आपको याद है ना, जब भी भीख मांगेंगे सबसे ना, ज्यादा से ना कम से सबसे, हमारे सारे शेयर होल्डर कितने हैं सर, आप भूले तो नहीं है? 30,000 सर, 30,000 सर, 30,000 सर, 30,000। 5 × 15 = 3 × 9 = 3 × 6। हिंदी में आता है ऐसे पढ़ा बोलना? नहीं, नंबर्स हिंदी में ट्राई करना बोलने का, बहुत मजा आता है, ज्यादा याद रहता है इंग्लिश से ज्यादा, पता नहीं ऐसा कुछ है सर। ये तो ठीक है सर, अलॉटमेंट का मनी ड्यू कर दिए सर, अब बताओ अब अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा सर? क्या सब कोई पैसा देंगे? ना बाबा ना, ना बाबा ना, तुम भूल गया, अलॉटमेंट के वक्त राम बाबू पैसा नहीं दे रहा है। तो तुमको पता है जो लोग पैसा देंगे उसके लिए क्या डेबिट करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट। और जो लोग पैसा नहीं देते उसके लिए क्या डेबिट करते हैं भैया? उसके लिए कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट करते हैं। तो जो पैसा देंगे बैंक डेबिट, जो पैसा नहीं देंगे कॉल्स इन अरियर डेबिट। तू क्या करेंगे? हमको क्या पता क्या करेंगे? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट करेंगे। अलॉटमेंट मनी का 1.5 लाख रुपया था, वो क्या नाम था, मिस्टर राम। मिस्टर राम के पास 500 शेयर था, वो अलॉटमेंट मनी 5-5 रुपया करके नहीं दिया, मतलब उसने 25,000 रुपए नहीं दिए। तो हमें कितना रुपया मिल गया सर? 1,25,000। नहीं, राम के पास 5,000 शेयर थोड़ा था, 500 शेयर था। ओहो, इतना रुपया बना दिया। रुको रुको रुको, 1-0। ओहो, एक टपकती बूम आपकी जिंदगी बदल दी, वैसा वाला ही है ना। 5×5=2500 होता है मुन्ना, ये 147,500। 1-0 चेंज कर सकता खेला। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉट। अलॉटमेंट का पैसा मुझे 1,50,000 मिलना था, जिसमें मिस्टर राम का 500 शेयर पे 5 रुपए करके 2,500 नहीं मिला, तो कितना मिल गया? 147,500 हो गया अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट के बाद क्या करेंगे सर? अलॉटमेंट के बाद क्या करेंगे भैया? अलॉटमेंट के बाद भैया आपके पास एक ही चीज बचता है, कॉल मनी। अच्छा, अलॉटमेंट के बाद कोई फोरफीचर तो नहीं है? नहीं 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 सर, फोरफीचर तो फाइनल कॉल के बाद हो रहा है सर, अभी नहीं हो रहा है। अच्छा, तो पहले फाइनल कॉल मंगाई लेते हैं। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फाइनल कॉल मनी था 4 रुपया करके, तो हम लोग 4 रुपया करके हम लोग कॉल करेंगे कितने शेयर पे? सारे शेयर होल्डर पे। तो 4×3=12 हो जाएगा। अब फाइनल कॉल मिलना है, क्या सबको ही पैसा दे रहे हैं? नहीं भैया, एक तो राम नालायक था और एक नालायक जुड़ गया श्याम, तो दोनों आदमी पैसा नहीं दे रहे। तो जो लोग पैसा देते हैं उसके लिए तो हम लोग बैंक डेबिट लिखते हैं, किंतु जो लोग पैसा नहीं देते उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू क्या मुन्ना? टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। घबराओ नहीं सर, फाइनल कॉल था कितने का? 120। जो लोग पैसा नहीं दिया उसका हिसाब लगाना पड़ेगा। एक था राम जिसके पास था 500 शेयर, और एक है श्याम जो पैसा नहीं दे रहा है उसके पास है 1,000 शेयर। ये 4 रुपया करके नहीं दिया, 5×20=2,000, और ये 4 रुपया करके नहीं दिया कितना रुपया? 4,000। तो टोटल कितना हो गया? 6,000। तो अरियर हो गया भैया 6,000 रुपए का। कॉल्स
कॉल्स इन अरियर हो गया 6,000 रुपए। तो भैया सुनो ना, 1,20,000 माइनस 6,000, 1,14,000, 1,14,000। समझ में आ रहा है क्या? हाँ भैया, 1,14,000 का तुमको कहानी समझ में आ रहा है धीरे धीरे। हाँ ठीक है, अब क्या होगा भैया? अब इसके बाद बोला था, फाइनल कॉल होने के बाद ऑल दोस 1500 शेयर्स वर फॉरफिटेड। 15 मतलब 500 शेयर राम का और 1000 शेयर श्याम का, दोनों का शेयर फॉरफिट करना है सर, दोनों का शेयर फॉरफिट करना है। तो मैं फॉरफिट करता हूं सर, किंतु सुनो ना, मेरा एडवाइस याद है आज का? कौन सा एडवाइस सर? मुझे तो याद नहीं है। हाँ तुम क्यों याद रखने वाले कई काम? मैंने बोला था जब भी फोरफिट करोगे अलग अलग आदमी का शेयर अलग अलग एंट्री करना। राम का 500 शेयर का फोरफीचर का मैं अलग एंट्री करने वाला हूं और श्याम का अलग। तुमको एक साथ करना है तुम कर लो, फिर कांड हुआ तो हमको मत बोल। मेरा तो आदत है भाई, मैं अलग अलग करता हूं इसलिए झमेला झंझट में नहीं फंसता हूं, बहुत सारा चीज क्लियरली एविडेंट हो जाएगा। पहले राम का सोचता हूं मैं, बिकॉज राम का सोचने दो। राम क्या क्या नहीं दिया भैया? राम ने आपको, मैं दिखाता हूं भैया सुनिए ना, राम ने आपको अलॉटमेंट मनी भी नहीं दिया और कॉल भी नहीं दिया। बहुत बढ़िया काम किया राम नहीं दिया। क्वेश्चन है प्रीमियम कहां है भैया? प्रीमियम तो अलॉटमेंट के अंदर है। क्या राम ने अलॉटमेंट का पैसा दिया है? नहीं सर। इसका मतलब राम ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो राम ने अलॉटमेंट के अंदर का प्रीमियम भी नहीं दिया हमें। नहीं, अगर उसने नहीं दिया तो हमें कंपनी को क्या प्रीमियम मिला? तो सर प्रीमियम नहीं मिला। तो इंग्लिश में मैं बोलूंगा प्रीमियम नॉट रियलाइज इन कैश। एंड इफ द सिक्योरिटीज प्रीमियम इज नॉट रियलाइज इन कैश, इट शैल बी कैंसल्ड एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर। इसको तो कैंसिल करना पड़ेगा सर। हाँ तो कैंसिल करना पड़ेगा, मैं वही समझा रहा हूं, कैंसिल करना पड़ेगा। जब कैंसिल करना पड़ेगा तो एंट्री क्या करेंगे भैया? उसका एंट्री होना चाहिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू कॉल्स इन अरियर, टू फॉरफिटेड शेयर। एक बच्चा बोल रहा भैया फिर से बोल देंगे, राम ने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, इसका मतलब अलॉटमेंट के अंदर का प्रीमियम भी नहीं दिया। राम ने प्रीमियम नहीं दिया तो कंपनी को प्रीमियम नहीं मिला, मतलब प्रीमियम नॉट रियलाइज इन कैश। And if securities premium is not realized in cash, it shall be cancelled at the time of forfeiture of share. ठीक है सर। अब called up कितना है? आज तो fully called share 10 रुपए का। Premium कितना रुपया इसके अंदर? 2 रुपया। और राम का कितना share है? 500। अभी राम का share पे concentration करना है। ये रहा 5,000, ये रहा 1,000। Calls in arrear किसका लिखना है? राम का। एक अलॉटमेंट में था, एक कॉल में था। इधर देखो, अलॉटमेंट के वक्त राम का 2500 है, नहीं दिखाई दे रहा? ये 2500 है अलॉटमेंट के अंदर, 2500, और कॉल में है 2000। तो 2500 और 2000 होता है 4500। तो मैं यहां आया, 2500 और 2000 मिला के हो गया 4500। बोलो ठीक है कि नहीं? तो फोरफिटेड शेयर्स में बैलेंसिंग फिगर पता कर लो ना, कि भैया उधर में 5 और 1 6,000 माइनस 4,500, 1,500 फोरफिटेड शेयर्स में जाएगा, 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 1,500 फोरफिटेड शेयर्स में जाएगा। समझ में आया मैं क्या बोला? मैं 1,500 फॉरफिटेड शेयर में जाएगा। बहुत बढ़िया। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, ये जो आपने 1500 फॉरफिट किया किससे किया? भैया राम से। कितने शेयर पे? सर 500 शेयर पे। तो सुनो ना एक बार रफ में सुनो, 500 शेयर पे आपने फॉरफिट कर लिया 1500 रुपीज, तो एक एक शेयर में कितना फॉरफिट किया है? 1500 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज 3 पर शेयर, यानी 500 शेयर्स पे 3-3 रुपया फोरफिट किया आपने।
अमाउंट फोरफिटेड पर शेयर 3 है। आपको थोड़ा घुमा के सोचने का मैंने, तो आप घुमा के सोच लो। मैं कैसे हम घुमा के सोचे? अरे भाई उसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी तो दिया था राम ने, तो जितना वो दिया था हम मार के रख लिए, जितना वो दिया था हम मार के रख लिए, तो हमने फोरफिट कितना कर दिया 3 रुपया का, तो वही 3 रुपया आपको दिखाई देने लग गए यहां पर। ठीक है चलो, चर्चा करना जरूरी है सर, चाय पे होना चाहिए चर्चा, समझ में है? फिर क्या बोल रहा है सर, श्याम बाबू का शेयर फोरफिट कर लेते हैं, हरबड़ावनी सर, हरबड़ावनी श्याम का शेयर फोरफिट करते हैं। हाँ सर, सोचने पे मजबूर करो मुझे, मैं क्या मजबूर करूं सर, श्याम का शेयर वो अच्छा, श्याम ने क्या नहीं दिया, राम को हटाओ यार, राम का तो बेड़ा पार लग गया, अब श्याम ने क्या नहीं दिया? बेसिया मिस्टर श्याम ने कॉल मनी नहीं दिया, तो उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दिया है। शेयर फुल्ली कॉल्ड है 10 रुपए का, वो समझ में आ रहा है, उसने अलॉटमेंट मनी दिया है क्या श्याम ने? हाँ भैया दिया है। अगर उसने अलॉटमेंट दिया है तो अलॉटमेंट के अंदर 2 रुपया प्रीमियम है, वो भी उसने दे दिया। हाँ अगर श्याम ने ये प्रीमियम दे दिया तो मैं कंपनी हूं, मुझे ये प्रीमियम मिल गया। हाँ मिल गया। अगर प्रीमियम मिल गया तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा प्रीमियम रियलाइज्ड इन कैश। हाँ, और लॉ बोलता है इफ सिक्योरिटीज प्रीमियम इज रियलाइज्ड इन कैश इट शैल नॉट बी कैंसल्ड एट द टाइम ऑफ फोरफिचर। तो श्याम का शेयर जब भी फोरफिट करेंगे तब सिक्योरिटीज प्रीमियम कैंसल नहीं करेंगे। देख कितने बार ये वाला चीज बता दिया, कल बताया, आज हर एक समय बता रहा हूं, इसके बाद भी अगर दिमाग में नहीं जा रहा है तो बस इतना ही बोलूंगा, भगवान का दिया वरदान है सर, मैं तुझ प्राणी क्या कर लूंगा सर, मेरी कोशिशें बेकार है। मस्ती कर रहे हैं, चलो लिखो। हाँ भावुक हो गया। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर और टू क्या लिखेंगे, फोरफिटेड शेयर। इक्विटी शेयर कैपिटल फुल्ली कॉल्ड 10 रुपए, अच्छा भाई देव उसका था 1000 शेयर यानी 10,000। अरियर चाहिए था मिस्टर श्याम बाबू का, सुनो ना, श्याम का अरियर सिर्फ कॉल मनी में है 4000, देखो 4000 है उसका अरियर। उसका भैया अरियर तो 4000 ही है। हाँ तो भैया सुनो ना, मैं कॉल्स इन अरियर में यहां पर आके लिख रहा हूं 4000, और अब बैलेंस फोरफिटेड शेयर में पता कर लो ना, 10,000 में से 4,000 गया, यहां कितना बचना है, 6,000 फोरफिट हुआ है। मैं कब मना कर रहा हूं, 6,000 फोरफिट हुआ है, मना किए ओके बोलना। अच्छा सुनो ना, हमने, अब मेरे को जवाब दो पहले, जवाब चाहिए सर, आपने ये जो 6,000 रुपया फोरफिट किया है किससे? सर मिस्टर श्याम से। मिस्टर श्याम के पास कितना शेयर था भैया? 1000 शेयर। तो क्या मैं ऐसे सोचने बोलू आपको, आपने 1000 शेयर पे 6,000 रुपीज फोरफिट कर लिया? हाँ, तो आपने एक एक शेयर से श्याम बाबू से कितना फोरफिट किया है, तो 6,000 डिवाइडेड बाई 1000 यानी एक एक शेयर में 6 रुपए करके फोरफिट किया है। यानी मैं वैसे बोलू, आपने 1000 शेयर पे हर एक शेयर पे 6-6 रुपए करके फोरफिट किया है। बात तो आप सही बता रहे हैं, मैं गलत बोलता ही नहीं, मैं तो सही बोल रहा हूं। आप ऐसे भी सोच सकते थे कि भैया इसने ना, देखो ना, 4 रुपए कॉल नहीं दिया तो क्या क्या दिया इसने, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, एप्लीकेशन का 3, अलॉटमेंट का 5, 8, पर 2 रुपया प्रीमियम जो कि फोरफिट नहीं कर सकते, तो हम फोरफिट कितना करेंगे, 6 रुपया, 8 रुपया था उसमें जो मिला था हमको, जितना मिलता हम फोरफिट कर लेते हैं एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, तो प्रीमियम हटा दिया जो प्रीमियम मिला था 6 रुपए में से, सॉरी 8 में से 2, तो 6 फोरफिट कर लेंगे। जैसे इच्छा घुमा के सोच लो सर, जो तरीका आपको अच्छा लगे ठीक है। सर फोरफिचर तो हो गया, उसके बाद रीशू है? हाँ है। देखो सब में क्या बोला, रीशू के लिए बोल रहा था ऑफ द शेयर्स फोरफिटेड 1250 शेयर्स वर सब्सिक्वेंटली रीशू टू जदू एज फुल्ली पेड अप एट ए डिस्काउंट ऑफ 2। 1250 शेयर्स रीशू हो गया, 10 का शेयर 2 रुपया डिस्काउंट, मतलब 8 रुपया में रीशू प्राइस 8 रुपया है। तो जब रीशू करोगे तो एंट्री बनना चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट फोरफिटेड शेयर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल।
ना राइमिंग है ना, मुझे तो मजा आ जाता है सर ये सब। राइम ही राइम है सर, जिंदगी एक राइम है, सम तो क्या चीज है सर। सर 10 रुपया का शेयर, 2 रुपए डिस्काउंट, तो रीशू प्राइस 8 रुपए है। सर आपने कितना शेयर रीशू कर दिया? तो आंसर है आपने 1250 शेयर रीशू कर दिया, 1250 शेयर रीशू कर दिया, समझा? ये देखो ना, देखो ना कैसा लग रहा है एंट्री सर, वैल्यू वैल्यू देखो सर, मेरे को तो लगता है ना मजेदार है सर, आप देख लो सर, देखो ना सर, देखो ना जल्दी देखो ना, हो गया सर आगे। आगे बोलोगे सर? मैं बोल रहा हूं ना, मेरा फोरफीचर के बाद रीश हो गया, तो अब निकलेगा प्रॉफिट ऑन रीशू, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटलिज्म। अब इस समय चाप क्या है? प्रॉफिट ऑन रीशू जो निकालोगे, चाप क्या है? आपने दो अलग अलग आदमी से फोरफिट किया था, तो दोनों शेयर को जब रीशू करोगे तो प्रॉफिट भी अलग अलग हिसाब में निकलेगा। सर क्यों? क्योंकि अलग अलग आदमी से फोरफिट भी अलग अलग किया था ना। सर कैसे? ए गजनी, इधर देखो मैं समझाता हूं, रुको। आपने जब मिस्टर राम से फोरफिट किया था, उसका एक एक शेयर रुपए में 3 रुपए मार के रखे थे। हाँ सर, वही जब श्याम से फोरफिट किया तो एक एक शेयर में 6 रुपए मार के रखे। तो जब आप अलग अलग फोरफिट करके रखे तो प्रॉफिट भी तो अलग अलग ही हिसाब से आएगा ना। सर आप बोलना चाह रहे मुझे अलग अलग प्रॉफिट चेक करना पड़ेगा? हाँ, ये सब का खासियत यही है, इसीलिए तो मैं करा रहा हूं, समझो। मैं समझाता हूं आपको, इसके नीचे एक करना पड़ेगा वर्किंग नोट, कैलक्यूलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन रीशू। कितने आदमी थे सरदार? दो। कौन कौन? एक था राम, एक था श्याम, ठीक है ना। मैं पहले आपसे पूछने गया, मुझे बताओ तो अमाउंट फोरफिटेड पर शेयर कितना था? एक एक शेयर में कितना फोरफिट किया? राम से कितना, श्याम से कितना? तो इधर आइए, राम से आपने 3-3 रुपया पर शेयर फोरफिट किया। कैसे निकाला? पैसे लिख सकते हो, आपने 1500 फोरफिट किया था ना 500 शेयर पे, तो इसको नीचे आके ऐसे समझा के भी लिख सकते हो कि हमने 1500 फोरफिट कर रखा है 500 शेयर पे, तो पर शेयर 3 रुपया करके फोरफिट हुआ है राम बाबू से, ठीक है, राम बाबू से हो गया। अब श्याम बाबू से कितना फोरफिट किया? देखिए मैंने तो यहां डिटेल में दिखा दिया 6 रुपया, पर कैसे? तो ऐसे समझो 6000 रुपया फोरफिट किया था हमने श्याम से, 1000 शेयर पे, तो 6000 किया था 1000 शेयर पे, एक एक शेयर पे 6, तो मैं यहां पर आपके लिए बगल में लिख दिया, याद रहेगा 6000 रुपया हमने फोरफिट किया था श्याम बाबू का 1000 शेयर पे, तो पर शेयर पे 6-6 रुपया फोरफिट किया। अब माइनस लिख रहा हूं, देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, अगर आप वर्किंग एक बार देख लोगे समझ जाओगे। डिस्काउंट ऑन री इश्यू पर शेयर, एक एक शेयर पे कितने का डिस्काउंट? हमने ये जो शेयर रीइश्यू किया ना, इसमें राम का भी शेयर रीइश्यू हुआ है, श्याम का भी, और दोनों ही शेयर रीइश्यू किया 2 रुपया डिस्काउंट, तो दोनों ही शेयर 2 रुपया डिस्काउंट पे रीइश्यू हो रहा है, दिखाई दे रहा है? तो भैया सुनो ना, राम के शेयर में भी 2 रुपया डिस्काउंट में रीइश्यू हो रहा है, श्याम का भी, तो ठीक है ना, कोई घबराने का बात थोड़ी है। तो राम का एक एक शेयर में 1 रुपया प्रॉफिट होगा रीइश्यू करके, और श्याम का एक एक शेयर में 4 रुपया प्रॉफिट होगा रीइश्यू करके। मतलब अगर आप मेरे से बात करें तो मैं ऐसे बोलना चाहता हूं, दिस इज प्रॉफिट ऑन रीइश्यू पर शेयर, दिस इज प्रॉफिट ऑन रीइश्यू पर शेयर, दिस इज प्रॉफिट ऑन रीइश्यू पर शेयर।
हाँ सर ठीक है, देयरफॉर हम कितना शेयर इशू किए टोटल, प्रॉफिट ऑन 1250 शेयर्स रीशूड कितना होगा, हमें यह पता करना है, प्रॉफिट ऑन 1250 शेयर्स जो रीशू हुआ है। अब यह बताना, तो हमने एक राम का शेयर रीशू किया है और एक श्याम का। आपको ध्यान रखना था, ये लोग बोला था इंक्लूडिंग होल शेयर ऑफ राम, राम का सारा शेयर रीशू कर दिया, मतलब 1250 में आपने राम का पूरा मतलब 500 शेयर इशू कर दिया, यानी बैलेंस 750 शेयर, 1250 माइनस 500, 750 शेयर किसका इशू है, शाम का। राम का एक शेयर इशू करते एक रुपया प्रॉफिट आता है, तो राम का 500 शेयर में 500 का प्रॉफिट आया होगा, शाम का एक शेयर इशू करते हैं 4 रुपया प्रॉफिट आता है, तो 750 शेयर इशू में कितने का प्रॉफिट आएगा, 3000 रुपए का प्रॉफिट आएगा। तो दोनों को अगर जोड़ लिया तो कितना गया, 3500, तो प्रॉफिट ऑन रीशू देखो इसका 3500 है। पर एक बार देख लो, समझ लो, फिर लिख लो। अच्छा अच्छा मतलब अगर अलग अलग आदमी का शेयर फॉरफिट हुआ है तो रीशू भी अलग अलग ही होगा, तो प्रॉफिट अलग अलग आएगा, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि राम से अलग फोरफिट हुआ है, श्याम से अलग, तो जब रीइशू करेंगे तो दोनों का प्रॉफिट तो अलग अलग ही आएगा ना मुन्ना, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लिखो 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 जल्दी से, वर्किंग कॉपी करो, मैं दे रहा हूं सर, मैं रुक रहा हूं सर आपके लिए, एक मिनट, मैं एक मिनट पूरा रुक जा रहा हूं सर, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, आप पहले कॉपी करो, पूरा कॉपी करो सर, मैं एक मिनट रुक रहा हूं सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं वेट कर रहा हूं आपके लिए। लिखो लिखो, वेट नहीं करो, हो गया सर। अच्छा अच्छा जी सर, बहुत अच्छा सर, ये वाला वर्किंग हो गया, तो जॉब प्रॉफिट का एंट्री का पोस्टिंग कर दो सर, हम क्या पोस्टिंग करेंगे, तो हम करेंगे क्या पोस्टिंग, तुमको करना है, 3500 प्रॉफिट आ रहा है, तो यहाँ 3500 आ जाएगा, यही लास्ट एंट्री था, देखो 3500 आ जाएगा सर, क्या आपको ये बात समझ में आया? श्योर? ठीक है सर, ये तो आ गया सर, मैं देखूं और कराने लायक कुछ है क्या। ये बाद में करेंगे, देख लेते हैं कि कुछ और तड़कता भड़कता आपके लिए कुछ है क्या, सिंपल सा, मैं सिंपल सा खोज रहा था कुछ। चलो एक काम करते हैं, आज और कुछ नहीं करते, फिर क्या काम करते हैं? बोला एक, मेरा एक काम करना, आज कुछ नहीं करना, हाँ आज कुछ नहीं करते हैं, आज इतना ही छोड़ देते हैं, आज मैंने इतना ही रखा, आज इतना ही रख देते हैं, अगले दिन फिर और इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना, नहीं तो फिर भारी हो जाएगा। अब अगला मुझे एक्चुअली प्रो राटा का थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का समय घुसना है, और उसमें अभी घुसने जाएंगे तो टाइम लग जाएगा, फिर टाइम का थोड़ा कमी है, तो आज इतने रखते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक जितना कराए हैं सारा का सारा रिवाइज करके अगले क्लास में, समझ में, सारा का सारा अगले क्लास में रिवाइज करके आना,
तो ही समझ में आएगा, नहीं तो अगले क्लास एक्सीडेंट हो जाएगा। तो हमने तीन वाली क्लास करा दिया, पहला दो क्लास में पूरे कॉन्सेप्ट का भरमार है, तो वो अच्छे से कर लो पहले रिविजन, और उसके बाद जो आज सम्स कराए एक बार हाथ से लिख और कर लो कल का क्लास करने से पहले, ठीक है। नेक्स्ट क्लास करने से पहले एक बार हाथ से लिख के कर लो तो बढ़िया रहेगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको सर, और फिर अगले दिन थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, अगले दिन फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।